ये क्या हुआ कुछ पता ना चला, क्यों हादसा बन गया सिलसिला। टुकड़ों में तुम थे, टुकड़ों में मैं भी, टुकड़े मिले तो हम बने। ये दिल जिंदगी से खफा हो चला था, जिसे फिर से जीने के बहाने तुम बने। जो फिजिकल इंजरीज हमें दिखाई देती हैं, हम उन्हें ट्रीट कर देते हैं। पीपल आर वेरी सिंपैथेटिक। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, फिजियोथेरेपी, रेस्ट, हमें जो चाहिए होता है हम उसे प्रायोरिटाइज कर देते हैं। बट व्हाट अबाउट इमोशनल ट्रॉमा, हार्ट ब्रेक, पेन ऑफ लूजिंग समवन? ये कुछ ऐसे स्कार्स हैं जो दिखाई नहीं देते। Sometimes a person is right in front of you and you don't see the pain he feels. Healing requires help, and to ask for that help, it requires a lot of courage. But first, one needs to accept the fact that he's broken. None of your business. वैसे I've called you a cab. वो आती होगी. Leave. What? We are done. Bye. Please, जाओ जाओ. Go go go. Go go go. Leave. Leave. Thank you. Shut the door. What the fuck, man? What the hell? What did I do? Open the door. Hello. Listen. Fuck off, bastard. लड़की दिखाई नहीं देती, हाँ? बारा बारा, बारा, बारा साले। अलीना कहती है कि मुझे PTSD है। PTSD माने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सिम्टम्स अनकंट्रोलेबल रेज। और अलीना मेरी श्रिंक नहीं, मेरी वाइफ है। अलीना कहती है कि ये अक्सर एक्सट्रीम ट्रेजेडी में होता है, किसी हादसे के बाद, किसी वायलेंट इंसिडेंट के बाद। PTSD सिम्टम 2, हलूसिनेशन। अब उसका कहना है दैट आई एम ब्रोकन, टूटे टूटे टुकड़ों को समेट कर मुझे वापस जोड़ा गया है, लेकिन वो भी टेम्परेरी फिक्स है, शायद इसीलिए मैं बार बार बिखर जाता हूँ। PTSD सिम्टम 3, नो ह्यूमन कॉन्टैक्ट। मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेरी बीवी की बिल्ली। शानवी यार, वीर, वीर तुम पिछले एक हफ्ते से गायब हो, तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो। वीर, वीर। हेलो शानवी, आई कांट हियर यू। हेलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। व्हाट, कैन यू हियर मी? वीर, हेलो। स्टूपिड इडियट, द So, was it a super evening? Extremely mediocre. Actually, इसके लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो। तुमने बिगाड़ा है मुझे। Nobody matches up to you. Seriously, you spoiled me for everyone.
वीर, तीन साल हो गए हैं, तुम किसकी वेट कर रहे हो और कब तक तुम ऐसे अड़े रहोगे यार? टाइम आउट। लोग हेडफोन्स म्यूजिक सुनने के लिए लगाते हैं। और मैं लोगों की आवाज ब्लॉक करने के लिए पहनता हूँ। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? You know, this behavior of yours is very crazy. Please, yaar, stop nagging, please. प्यार के किसी एक्सपायरी डेट के साथ आता है। हमारे प्यार की एक्सपायरी डेट क्या 3 साल थी? नहीं वीर, प्यार एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आता है, पर लोग आते हैं। Don't get there. Just don't get there. और ये तुम्हारी बहन के पागल है, कितने फोन करती है मुझे दिन में ये। She cares. तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी भी है? हाँ, मेरे पास चाबी है, क्योंकि मुझे पता था मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बहुत सालों पहले ही बनवा ली थी। Because you cannot be trusted, you crazy moron. क्या किया मैंने? क्या किया तुमने आज रात को? You beat up a man just because Adil is a lawyer. That doesn't mean you just stack up free crimes, man. Okay? Hello. Oh, 1 minute. Just because तुम pregnant हो ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी, ठीक है? I am pregnant and I have raging hormones. This parasite of a baby which is inside me, na, इसने मेरी हड्डियों का सारा calcium चूस लिया है। फिर भी इस बेबी ने और इस प्रेगनेंसी ने मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना कि तुमने किया है। अरे मैं तुमको भी फोन करने ही वाला था। कब करने वाले? अभी। एक हफ्ते से तुमने मुझे कॉल नहीं किया, 4 दिन से तुम ऑफिस नहीं गए हो। Because I don't need to go to work. मैं घर से कर सकता हूँ काम। इन्वेस्टमेंट बैंकर थे ना, 4-4 दिन तक तुम घर नहीं आते थे, अब क्या करते तुम वहाँ पर? यार I'm consultant, यार और मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। वैसे कौन सा नॉर्मल आदमी ये कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है? तो लालची ना हो वो। बैठो बैठो, आराम से बैठो बैठो। लिटरली यू नीड सम नॉर्मलसी इन योर लाइफ। एक्सीडेंट के दिन से आज तक तुम सिर्फ अपने आप को पनिश कर। यार तुम और तुम्हारी बहन की ना यही प्रॉब्लम है, अपनी खुद की कुछ भी थ्योरीज बना लेते हो तुम लोग। I'm worried about you, Veer. तुम आज तक अलीना से बातें करते हो? You're in a relationship with a dead woman. तुमको मुझे रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं है कि अलीना मर चुकी है, ठीक है? I know that. फिर भी तुम सबसे ज्यादा बात उसी से करते हो। तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, तुम लोगों को अवॉइड करते हो, मेरा फोन तो तुम उठाते ही नहीं। हेलो, FYI, मैं अभी एक डेट से वापस आ रहा हूँ, ठीक है? लड़की का नाम क्या था? नाम? एक मिनट, क्या नाम था उसका? याद नहीं आ रहा होगा ना? अरे आ रहा है। क्या करती है? वो करती है। क्या पहना था उसने? नथिंग। These meaningless one-night stands. You've gone on a self-destructive mode. जहाँ से भी commitment की थोड़ी सी भी भनक आती ना, you just avoid everyone. यार, come on. अलीना मेरी बहन थी. She's not there anymore. Do you realize that? इस half-constructed घर में रहते हो. क्यों? Because I like it. Because Alina ने इस पर काम शुरू किया था, इसलिए you're holding on to your past. 3 clients single-handedly लेके आया हूँ मैं. Do you know what that means? I'm on the fast track to becoming the VP now. Just hope it happens soon. Fantastic, congratulations. That's it? इतना cold reaction. You know what it's supposed to mean? हमारे future के लिए. Fuck, I have to take this one. Alina, what? अपनी वॉल्स में ना म्यूरल्स पेंट करेंगे। आर यू सीरियस? और जो डोर्स होंगे ना वो नॉर्मल डोर्स होंगे। आई की बुक शेल्फ्स ऑन दैट लुक मच बेटर लाइक दैट। आर यू इवन लिसनिंग मी? हां मैं सुन रहा हूं। तुमने फोन क्यों डिस्कनेक्ट किया यार? ऑफिस से फोन था अलीना। आई न्यू इट। व्हाट? यू आर नेवर देयर वीर। प्लीज यार। नो सीरियसली, सब कुछ तुम्हारे काम से शुरू होता है, तुम्हारे काम से शुरू, तुम्हारे काम पे खत्म। इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर। व्हाट अबाउट टुडे? यू नो व्हाट, तुम्हारे इसी वाइल्ड चाइल्ड एटीट्यूड से मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है? Live in the moment, live in today. Future की planning करेंगे नहीं तो क्या करेंगे कल? Don't I have a say in our life? Did I say that? You are saying that. Stop yelling. Stop you yelling. You stop yelling. Oh, please, yaar. Are you PMSing today?
Stop the car. Oh, please, I'm not. I said, stop the car! Stop yelling! Why are you... तुम क्या कर रही हो? सीट बेल्ट पहनो। अलीना सीट बेल्ट पहनो। अलीना मेरी भी बहन थी। इस घर को तुमने उसकी यादों का मकबरा बना के रखा। तुम मुझे अपनी हेल्प करने नहीं देते। इस तरह तुम मेंटल असाइलम पहुंचा। And I won't be able to help you. And now look at me. I'm crying. अरे यार ये क्या बात है यार ये why you crying? It's all because of you. No, please don't cry यार तुम ये अभी मुझे तुम डांट लगा रही थी और अभी मुझे एक गिल्ट ट्रिप पे भेज रही हो। यू कांट बी द गुड कॉप एंड द बैड कॉप बोथ एट द सेम टाइम। अलीना ने लिया है यार तुम पागल हो क्या यार ये टूट जाएगा। तुम पागल हो चुके हो। लॉस्ट इट टोटली लॉस्ट इट। तू बिना साले हिंदी सिनेमा की पुलिस की तरह है। पूरा कांड हो गया अब आ रहा है। She scares me too, man. लेकिन जो वो कह रही है ना सही कह रही है। You need to move out. ये तीसरा नोटिस है और बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है। हम रीडेवलपमेंट पे स्टे कर रहे हैं। वीर, सुनो या लेटर तुझे जगह खाली करनी ही होगी। और देख, इस घर की चाबी ईशानवी के पास है। नए घर की चाबी तेरे पास ही होगी। ये तेरी बीवी मेरे नए घर की चाबी भी बनवा लेगी। उसे 2-3 महीने लगेंगे एटलीस्ट। चाबी वाला उसका गांव गया हुआ है। कमाल है यार तुझे तो अपनी बीवी का मोटस ऑपरेंडी बाय हार्ट रहता है। I know what you're doing. What? तू बात बदल रहा है। परसों का एविक्शन नोटिस है। परसों? अरे भाई इतनी जल्दी मुझे कोई और घर कैसे मिलेगा? तेरा कजिन है ना कार्तिक वो अपना घर बेच रहा है तू उसे बात कर। हेलो भाई आज तेरा फोन कैसे आ गया ऑल ओके तू बता तू अपना घर बेच रहा है ना हाँ तुझे चाहिए पेपर जरा सब रेडी हैं तो बड़ी जल्दी में लग रहा है कोई प्रॉब्लम है क्या फ्लैट में नहीं नहीं घर परफेक्ट है प्रॉब्लम वो साइको एक्स में है पीछा नहीं छोड़ रही मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ खत्म हो गया लेकिन इसलिए मैं घर छोड़ रहा हूँ कमाल है तेरी वाली तेरा पीछा नहीं छोड़ती और मेरी वाली वापस ही नहीं आती सॉरी भाई मैं आई मिस्ड इट क्या नथिंग तू चल ठीक है डन डील ठीक है तू मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दे ठीक है हाँ उसको वहीं रख दूँ नीचे बड़ा वाला कहाँ है ऐसा ही सेम लेके आइए थैंक यू पेपर्स एंड एनओसी तीन जल्दी क्या है सोसाइटी चले भाई आराम से कर लेंगे कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं तो बिना पेपर्स के कैसे मूव इन करूँगा अगर तेरा लॉयर बिजी है तो फिर मुझे बता दे मैं आदिल से बात करता हूँ नहीं नहीं एक्चुअली बस वो एक छोटा सा काम बाकी है आई कोन दिस हाउस विद My ex, my psycho ex. तो पेपर्स पे उसके भी सिग्नेचर चाहिए होंगे बस उससे बात करनी बाकी है एक बार हो जाए तो then it's done. और ये तू मुझे अभी बता रहा है after I've moved in. टेंशन ले रहा है अच्छा तू ये पेपर्स रख फॉर योर पीस ऑफ माइंड इसमें मेरे सिग्नेचर्स हैं उसके भी करा दूंगा मैं पक्का चल ठीक है But just 1 week, उसके बाद I'm out. You're not going anywhere. Welcome. Go. Call me if you need something. Sure. See you. See you.
अलीना, अलीना इज गॉन, क्योंकि मेरी डेड वाइफ अब मुझसे बात नहीं करती और मुझे दिखाई भी नहीं देती। अलीना, आई एम सैड, आई एम नॉर्मल एंड आई थिंक सैड इज द न्यू नॉर्मल। के लौटे नहीं Sandy, right? Hi, I'm Lavina. Tinder. Hi. Hi. I'm drinking. Vodka? One vodka for the lady, please. तुम्हारी फोटोज काफी मिसलीडिंग है, रियल लाइफ में तो बहुत हैंडसम हो यार। नहीं, एक्चुअली यहाँ की लाइटिंग काफी अच्छी है। हाय लविना, आई एम सैंडी। टिंडर पे हमने चैटिंग करी थी। तुमने मुझसे चुप बोला। थैंक यू सो मच। कौन लविना? तुम्हारे घर में कोई है क्या? आई कैन हियर समवन। अलीना, अलीना कौन? अलीना कार्तिक। तुम कौन हो? Come on guys, it's my birthday. आज तो at least time पे आ जाओ। हाँ पर और कितनी देर लगेगी? Excuse me, ma'am. Can I take the seat? गानों में कभी कभी कोई लम्हा अटक सा जाता है। इस गाने में वो लम्हा अटका हुआ है जब कार्तिक ने मुझे पहली बार कहा था आई लव यू समीरा। फिर 8 महीने, 2 हफ्ते, 3 दिन पहले कार्तिक ने मुझे कहा आई डोंट लव यू एनीमोर। बदले में मैंने कहा आई स्टिल लव यू। कितनी अजीब बात है कि आई स्टिल लव यू को किसी के आई डोंट लव यू एनीमोर से फर्क ही नहीं पड़ता। बस उस वक्त थोड़ा सा फर्क पड़ता है जब गलती से उसका लाइटर मेरे बैग में मिलता है। आई ब्रेक अ लिटिल फ्रॉम इनसाइड। उसकी पुरानी टी शर्ट मेरे कपड़ों के पाइल में मिलती है। आई ब्रेक अ लिटिल। पिक्शनरी जो हमने रेस्टोरेंट के टिश्यू पर खेली थी उसे देखती हूँ। आई ब्रेक अ लिटिल। हर बार अंदर ही अंदर आई ब्रेक अ लिटिल एंड आई फॉल अपार्ट।
taxi. Got you. I love you. हटो मैं करता हूँ हटो इतनी अच्छी बर्थडे सरप्राइज पार्टी थी उसके ऊपर से वांटेड टू डू द डिशेस कम ऑन इतना भी आई कांट टेक यू फॉर ग्रांटेड लास्ट ईयर उसने मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी और इस साल रात के अंधेरे में उसके घर के बाहर खड़ी हूँ होपिंग कि शायद उसे याद आ जाए कि आज मेरा बर्थडे है आई ब्रेक अ लिटिल मोर मैम चले बारिश बहुत हो रही है चलिए मैम प्लीज आप ये टैक्सी ले सकते हो इमरजेंसी है बहुत अर्जेंट है मैम कितना हुआ 200 रुपये Yeah. Oh shit. भैया मेरा वॉलेट है क्या गाड़ी में भैया रुकिए भैया Shit. Oh shit. No. Shit. भैया please मेरी help करो. Hello. भैया मुझे वो गाड़ी को follow करना जल्दी चलिए please. मेरा वॉलेट है क्या जल्दी चलिए. मेरी गाड़ी खराब है मैडम. मैं खुद एक घंटे से परेशान. एक दिन मैं realize करती हूँ अगर कोशिश करूँ भी ना टूटे फूटे टुकड़ों को समेटने की तो उन्हें जोड़ने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि बिखरी चीजों को तो फिर समेटा जा सकता है टूटी चीजों को नहीं बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम नाउ ब्रोकन डैमेज्ड भैया क्या मैं प्लीज एक कॉल कर सकती हूँ एक्चुअली मेरा फोन टूट गया है ले लो थैंक यू हेलो हेलो कार्तिक समीरा बोल रही हूँ समीरा यार तुम नंबर बदल बदल के फोन क्यों कर रही हो अब नहीं 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 ऐसी बात नहीं है वो मेरा पर्स मेरा फोन भी टूट गया है मैंने किसी और का फोन लिया एक्चुअली समीरा सीरियसली यार तुम रात को 1 बजे मुझे इसलिए फोन कर रही हो क्या करूँ और किसी का नंबर याद ही नहीं आता कार्तिक आज मेरा बर्थडे है हैप्पी बर्थडे समीरा आई एम सो सॉरी मैं बिल्कुल भूल गया यार सो व्हाट्स द प्लान हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग वो मैं एक्चुअली तुम्हारे घर से सिर्फ 15 मिनट दूर थी तो मैंने सोचा यू नो तुम्हें पौधा कर सकती हूँ इतनी तेज बारिश हो रही है नहीं नहीं आप डोंट वरी वेयर आर यू राइट नाउ मैं हॉर्निमन सर्कल के पास हूँ कूल थैंक यू बर्थडे तुम्हारे बिना इतना इनकम्प्लीट जो है थैंक यू फॉर कमिंग यू नो आई स्टिल लव यू इट्स सो गुड टू सी यू टुडे पोर्नो गेट इन देयर इज नो कार्तिक कमिंग फॉर यू तूने से कॉल क्यों किया सैम मुझे सिर्फ उसका ही नंबर याद था मुझे नहीं पता क्यों तुझे सच्ची में लगता है कि मैं अपना वॉलेट गवाऊंगी अपना फोन तोड़ूंगी जस्ट दैट आई कैन गेट हिम टू पिक मी अप यू रियली थिंक इज कम टू दिस पॉर्नो तूने पहले भी ऐसे बहुत बार किया कितनी बार ड्रंक डाल किया तूने उसे बट ड्रंक डालिंग इज डिफरेंट ना यार राइट सो तूने उसे जानबूझकर फोन नहीं किया करेक्ट स्वेयर ऑन गॉड नो आई एम नॉट गोइंग टू स्वेयर ऑन गॉड क्योंकि मैं तुझे कह रही हूं ना अच्छा ठीक है मान लो कि अगर मैंने उसे जानबूझ के कॉल किया सो व्हाट इट्स माय बर्थडे आई जस्ट वांटेड टू सी हिम और मान ले अगर मैं सच में कोई बहुत बड़ी मुसीबत में होती उसे आना तो चाहिए था ना 15 मिनट दूर रहता है तुझे 45 मिनट्स लगे फोड़ने 100 चीजें हैं जो उसे करनी चाहिए थी उसे लगता है कि तुझे स्टॉक कर रही है दैट्स व्हाट ही कॉल्ड यू ऑन द फोन स्टॉकर
पर्णो 5 साल की रिलेशनशिप थी, मुझे अभी भी नहीं पता उसने मुझे क्यों छोड़ा। हाउ इज दैट स्टॉकिंग? सैम इनफ यार, हाउ कैन ही ह्यूमिलिएट मी लाइक दिस? वरना तू भी जानती कि मैंने अपने पेरेंट्स से भी झगड़ा किया। कम ऑन सैम, इट्स बीन अ ईयर यू ऑल हैव ब्रोकन अप, और तू 1 साल से उसी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे चल रही है। सैम चीयर अप, इट्स योर बर्थडे। इट्स माय बर्थडे, कम हियर। ओके बस, नो मोर क्राइम। जरूर कोई बात है भाई, हैप्पी बर्थडे आज है, हैप्पी बर्थडे आज है, हैप्पी बर्थडे। अग्नि तू मेरे घर पे क्या कर रही है? और तू तो रेस्टोरेंट पहुंचने वाली थी ना। डूड मुझे ना आज ये ड्रेस पहननी नहीं चाहिए थी, इट वाज हॉरिबल। क्या हुआ तेरे साथ? देयर वाज दिस गाय एट द टैक्सी। टैक्सी टैक्सी, एक्सक्यूज मी, सॉरी मैडम आप प्रेग्नेंट हो। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन? डूड कहाँ से प्रेग्नेंट लग रही हूँ मैं तुम्हें यार? मेरे को प्रेग्नेंट बोलोगे तुम? कुछ भी बोलोगे, किसी को भी सड़क पे जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, किसी भी औरत को प्रेग्नेंट बोलोगे? तुम हो कौन यार? तुम्हारी अपनी बीवी प्रेग्नेंट हुई है क्या कभी? मैंने भी ना साले की लंका लगा दी। सैम को क्या हुआ? सैम सैम ओपन द डोर। सैमी, शी डजंट लाइक मी कॉल दैट। ओके, 2 मिनट चेंज कर रही हूं। Fuck you. हुआ क्या? तो क्यों नहीं आया लेने? So what if he's in a relationship? Bitch, please. वो जो कार्तिक इतना कच्ची कली कचनार की बन रहा है ना, मैं devoted, मैं committed. Do you know? उसकी girlfriend ने ना अभी तक अपना status single रखा हुआ है. Quiet, okay? Sam को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए. वो unnecessarily expect कर रही है यार. तूने अगर आज उसे देखा होता ना, girls night, I put on my game face. Pretend to feel, hoping to feel, pretend to have fun, hoping to have fun. Agni, come on dude, it's disgusting. Aise kaun dakar maarta hai aadmiyon jaise? I am the man. Wo to tu hai. You know what guys? मैं जिस लड़के को डेट कर रही हूँ उसका नाम बारबी है। Really? Pretend to get drunk. Together, you're like what? Really hoping to get drunk.
मुझे किसने टिंडर पे डाला? वैसे टिंडर में बुराई क्या है? और तुझे टिंडर पर नहीं जाना तो कहाँ जाना है? हरिद्वार के लक्ष्मण झूले पर? हाँ? टिंडर में ना सारे क्रेव्स हैं। Pretend to forget, hoping to forget. प्रॉब्लम क्या है उसने मुझसे पूछा था. हम लवर्स थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे. प्रॉब्लम ये है कि अब उसे कुछ याद नहीं रहता. एंड आई कांट फॉरगेट अ सिंगल थिंग. एंड जस्ट लाइक दैट 546 लोगों के लिए जो पब्लिक है वो मेरे लिए प्राइवेट हो गया था. कार्तिक मेरे लिए एक अजनबी था, जस्ट अ स्ट्रेंजर. बट अ स्ट्रेंजर हू न्यू ऑल माई सीक्रेट्स. एक रिलेशनशिप की शुरुआत के लिए दो लोगों की कंसेंट, दो लोगों की हामी जरूरी है. लेकिन उस रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए एक इंसान की ना ही काफी है. हाय. क्या समीरा, कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा? सॉरी, आई नो इट्स हर्टिंग. It's okay, baby. It's okay. Give me 2 minutes. इसको स्प्लिंट करना पड़ेगा. बहुत बुरी इंजरी है. It's broken. I know. क्या हुआ? एक साल पहले किसी ने इसको अडॉप्ट किया था और फिर he decided not to have him. एक पार्क के पास छोड़ दिया और ये भी कंप्लीट साइको. 10 किलोमीटर दूर उसका घर ढूंढ लिया इसने, तो इसके ओनर ने इसका पैर तोड़ दिया. As you can see, we must file an FIR. Yeah, we should. तुम्हें बबल्स के साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा. Don't worry. समीरा, तुम्हारे लिए किसी का फोन है. अरे सुन. कौन? अरे हम धोबिन बोल रहे हैं, कपड़े धुलवाएंगे. बेवकूफ, मैं बोल रही हूँ. अग्नि. अग्नि, ये नंबर कहाँ से मिला? मुझे अभी आके मिल यहाँ पे. थैंक यू. अग्नि, मुझे क्लिनिक वापस जाना है. क्या इमरजेंसी है? मेरी एनिवर्सरी पार्टी है. रियली? मैंने कार्तिक को बुलाया है और तुझे भी आना है. अग्नि, कल मैंने उसे एक इमरजेंसी कॉल किया, उसने इतना बड़ा हंगामा बना दिया. मैं पार्टी पे आऊंगी तो नो, आई डोंट थिंक आई कैन टेक दैट ह्यूमिलिएशन. अरे यार, उस इमरजेंसी फोन कॉल की वजह से ही तो तू कोई उससे बैक करने तो नहीं आ रही. तू उसे दिखाएगी यू डोंट गिव द फक्स यार. बस नहीं अग्नि, जब मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है. उसकी गर्लफ्रेंड है तो उसे लगेगा कि ये सारा पार्टी पे बुलाने का प्लान ना मेरा है. सो इट्स अ वेरी बैड आइडिया. इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया. और मैंने उसकी बिच को देखा है, लेडी बॉय लगती है. मतलब या आई आल्सो मीन स्टॉकिंग हर. मतलब एंड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, लेडी बॉय में कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर तो उसे पहले अपनी प्रेफरेंस क्लियर करनी चाहिए थी ना. मतलब 6 साल की उम्र बात कर रही है यार. क्या कर रही है? पार्थ को पता है हमारी शादी हुई है? हम साइमीज ट्विंस नहीं है. उसे पता होने की कोई जरूरत नहीं है. And here I am. After all the humiliation and insult, I was going to fall for him again. All over again. Kya pehno? Now we are talking. Hey! Hi! Hi, happy anniversary. Thank you, darling. You're looking pretty. So you did dress up. Thank you. What's it? I hope tune Kartik ko invite nahi kiya hai. Oh, wo khud hi aaya hai. Tere bina invite bheje wo aa gaya? Huh? Yeah, right. Matlab main use uske ghar se utha ke to nahi layi hu na. Tu bahut baal ki khal nikalti hai porno. Hi. One red wine. Jana, you can go and just contact him. You can go to this guy called Sushant and Kartik. You know he. Oh, fuck! I'm really sorry, Sam. Fuck. Oh, shucks.
Thanks. I'll get more tissues. एक मिनट, I'll do it. One minute. Don't worry. Samira, it's just a dress. Relax, ma'am. And don't make a scene here, please. मैं कर रहा हूँ. ये ड्रेस तुमने मेरे लिए खरीदी थी, याद है? For God's sake, Samira, it's been 1 year or... Karthik. Happy? यही प्लान किया था ना तूने? यार ये तो बिल्कुल आउट ऑफ स्क्रिप्ट डायलॉग बोल रहा है. तो क्या एक्सपेक्ट किया था तुमने? तुमने सैम की हालत नहीं देखी है क्या? She's addicted to Karthik. Karthik, दो मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज. तुम यार क्या कर रही हो यार? I'm requesting you, यार सीन मत क्रिएट. सीन? I've come here. One second. कौन सा सीन? ऐसे क्यों बोल रहे हो? Oh, is it because of the... One second. Is it because of the call I made to you last night? Karthik, मेरा कल बर्थडे था. मैं रास्ते के बीच में एक प्रॉब्लम में थी, एक जेन्युइन प्रॉब्लम में, और मैंने तुम्हें कॉल करने को डिसाइड किया. बट आई एम एन इडियट. कार्तिक, व्हेन एंड हाउ डिड दिस हैपन टू अस? समीरा, फॉर द 100th टाइम यार, आई फेल इन लव विद समवन एल्स यार, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. पीपल गेट ओवर रिलेशनशिप्स, पीपल मूव ऑन यार, लाइफ गोज ऑन समीरा. एटलीस्ट ट्राई तो करो यार. थैंक्स फॉर द पेप टॉक. आई कैन काउंट ऑन यू ऑन दिस. तुम्हें लगता है मेरे लिए आसान है? पर तुमने कोशिश भी यार, ये कैट का एग्जाम, कैट का एग्जाम नहीं यार, मतलब मैं ट्राई करूंगा. आई एम डन हियर, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज मूव ऑन एंड लेट मी मूव ऑन यार. आई एम ओके. टेल मी व्हाट यू वांट मी टू बी. आई विल बिकम दैट. एवरीथिंग फ्रॉम द वे आई ड्रेस टू द वे आई लुक टू द वे आई स्पीक टू द वे आई बिहेव, एवरीथिंग. यू वांट टू नो व्हाट आई वांट? I want her, Ananya. So, are we done now? Sorry, मैं बताना भूल गई, ये wine tasting party थी. Fuck. You know what? What? Is she crazy? Are you kidding me? What is? क्या? मैं सामने हूँ. Tishra. तू जो शक दे कर रहा है, why can't she mind her own business? मैं ना glass मुंह में फेंक के मार दूँगी. बाद में बता दूँगा. ज़रूरत है यार. समझा अपनी बीवी को कुछ. Karthik, sorry यार. Yeah, she's the one who's messed up. Sorry. I'm sure Samira को भी इसने पढ़ा. That time तो मन चल रहा है इसलिए. I'm done with this. मुझे यहाँ से भी सुनाई दे रहा है. मैं बता Samira, तुम समीरा हो ना? Hi, I'm Ananya. Hi. Is everything okay? Yeah, I'm good. Sure. Yeah. Excuse me. This is so bad. He needs to have some respect for a woman. You have to mind your own business. There is no law against breaking hearts. That's why I hate Karthik. Where are you, Samira? Hello? Sam, tera phone on ho gaya? Kaisi hai tu? That's why I want to hate Karthik. That's why there's this instant rage in me. Anger against him, anger against me. Sometimes I feel like holding Karthik and just crying my heart out. Bara, Bara sale. And sometimes I feel like giving him a punch on the face. I think the only way to mend a broken heart is from the pieces of another one. Jo utna hi damaged, utna hi defective ho. Good morning. Babi, please put the garbage out. Sure. अरे पोनो पोनो, मैंने क्या किया है यार? कुछ तो किया होगा, जब पता चलेगा तो बता दूंगी. नाउ गेट लॉस्ट. पोनो पोनो, क्या फक मैन, क्या कर रही हो? यू कैन ऑलवेज डू दिस. पोनो ओपन द डोर ना. इसमें क्या मिला है, इतना कड़वा है. आफ्टर लास्ट नाइट
थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल, थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट और बहुत सारा कॉमन सेंस मिलाया मैंने इसमें, बिकॉज तुम्हें इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है सैम। किसका मैसेज है? स्पैम है। यार राइट, स्पैम हाँ। हाँ तो उसकी दादी माँ के बैंगल से उसे चाहिए होंगे ना? राइट। यार शेयर के आपके पैसे तो हमने भी दिए हैं भाई साहब, आपको पूरी फील आ गई हो तो थोड़ी देर मैं अपनी जिंदगी जी लूं, थोड़ा खिसक के बैठी है ना। यार देख देर से कंगन मांगे है ना, इट इज अ वेरी गुड साइन। मेरी और पार्थ की तो जब भी लड़ाई होती थी ना, मैं तो जानबूझ के अपना कुछ ना कुछ सामान उसके यहाँ छोड़ाती थी। पार्थ मेरा टेडी बियर तेरे यहाँ रह गया, लेके मिलो मेरी पिंक लॉन्ड्री इज एट योर प्लेस, मैं आ जाऊँ क्या लेने? यू नो ये तो मिलने का बहाना है। This is like a mating ritual, dude. What mating ritual? मैं तुम दोनों को blowfly का mating ritual बताऊं? क्यों बहन? It's so boring. Anyway, so blowflies में जो male flies होते हैं ना, वो female flies को gift करते हैं. You know, like before sleeping with them. ओए, ये तो तेरा mating ritual है. तू है ना वो blowfly? ओहो, बड़ी हंसी आ रही है ना? How funny. एक फोटो खींच के लगाऊंगी ना, वायरल बने फिरोगे. अग्नि. अच्छा anyway. तो ये जो गिफ्ट होता है यूजुअली कुछ खाने की चीज होती है, बट कुछ मेल फ्लाइज इतने चालाक, इतने हरामी होते हैं, वो कोकून को अपने शिट से भर देते हैं। छी, so the female fly thinks, oh my god, ये इतना भारी है, must be something special and he's the one for me and all of that. But what does the female fly realize after this? That he's full of shit. And that Sam is Karthik Fail. हो गई तेरी पंचतंत्र की कहानी खत्म, है ना? Sam, तू एक कार्ड चूज कर। The fool. Yeah. Why am I not surprised? Sam and fool. It means a new beginning. You'll open a door that'll change your life. ध्यान दियो आज कौन सा दरवाजा खोल रही है तू। पौर्णो, 8 महीने 3 हफ्ते 2 दिन में पहली बार, पता है मुझे 4 साल, पहली बार मुझे उसने मिलने बुलाया। मैं जानती हूँ बाबा उसका सेल्फिश कंसर्न है, उसे बैंगल्स वापस चाहिए। तो कुछ बदलने नहीं वाला है। कहाँ हो एड्रेस? 4 सालों में नहीं बदला, वो अब क्या बदलेगा? तू अननेसेसरली पैरानॉइड हो रही, ठीक है? What? या बाबा, I'll be fine. अरे घर तो मैं फोन कर दिया ना ईशान भी, अब क्या हॉबी भी कल्टीवेट कर लूँ? पौर्णो मैं बाद में कॉल करूँ, सिलाई सीख लूँ? प्लीज। Bye. Thank you. बॉक्स था इतना बड़ा, मैंने खुद इसमें पैक किया था, कहाँ गया वो? जो भी है सर यहीं पे, हम तो बस सामान उठाकर लाए हैं। जो भी है सर बस यही है, हम सिर्फ सामान उठाकर लाए, वहां पे सामान देखना जिम्मेदारी नहीं है आपकी। पता है कितना कीमती बॉक्स था वो मेरा? अरे ये क्या वाहियात सर्विस है आपकी, एक बॉक्स था सर। सर यहाँ पे तो सिर्फ बॉक्सेस ही है सर। आप बकवास बंद करिए अपनी, ठीक है? और जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए, रुकिए वहीं पे आ रहा हूँ मैं। चलिए भैया। I was dead inside. मेरा दर्द ही वो एंटीडोट था जिसकी वजह से मैं कुछ फील करती थी। मेरा पेन मेरा कनेक्शन था कार्तिक से।
मेरे और कार्तिक के रिलेशनशिप का कुछ बचा था वो था दर्द. एंड इफ आई वांटेड टू होल्ड ऑन टू द रिलेशनशिप आई हैड टू होल्ड ऑन टू दिस पेन. Memories that stalk you, haunt you, possess you like ghosts, and there is no exorcism. ख्वाब दे दो या साथ दे दो, मिल सको तो आके जवाब दे दो. ख्वाब दे दो या साथ दे दो, मिल सको तो आके जवाब दे दो. ऐसा हुआ ना कभी जैसा हुआ है अभी, तुम ख्वाबों में भी हमें आते नजर क्यों नहीं. तुमको मेरा वास्ता, जाते हैं क्या यूं भला के लौटे नहीं. हेलो हेलो समीरा बेटा, मैं मिसेस गिल बोल रही हूँ. तुम्हारा कुत्ता मुझे नीचे मिला है. आंटी वो बाहर कैसे निकली? वो तो मुझे पता नहीं कि वो बाहर कैसे आया है, लेकिन हाँ तुम्हारे घर में ताला लगा हुआ है. You'll open a door that'll change your life. ध्यान दियो आज कौन सा दरवाजा खोल रही है तू. थैंक यू लीना. लीना. कार्तिक. तुम कौन हो? अलीना कौन है? माय वाइफ. तुम्हारी बीवी है? सो आई कांट बी गोइंग क्रेजी. वो लड़की दिखाई दे रही है तुम्हें? दैट इज योर एक्सक्यूज कि तुम्हें लड़की दिखाई दे रही है? हां ये खड़ी है सामने. मैं यहां पर हूं एंड यू कॉल अनदर गर्ल, और ऊपर से तुम्हारी बीवी भी है. यू आर फकिंग एसोल. एक्सक्यूज मी, कार्तिक अंदर है क्या? Do I look like a fucking poochdar? Center to you. Move. Wait. तुम्हारे पास भी इस घर की चाबी है? Of course. What do you mean of course? तुम इस घर में घुसे कैसे? Legally. और मेरा सारा सामान? यहाँ पे मेरी एक रॉट एंड की चेयर थी. मेरी फेवरेट वाली पेंटिंग. Oh my God. So you are the psycho ex. कार्तिक ने घर बेच दिया? हाँ, हाँ एक मिनट. हाँ मुझे याद आया उससे. कुछ पेपर्स हैं, इनपे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे. प्लीज तुम साइन कर दो. वैसे भी अब तुम दोनों एक साथ हो नहीं तो फिर एक ही साथ एक घर रखने का क्या फायदा. नहीं हर पेज पे इनिशियल्स और लास्ट पेज पे यहाँ पे साइको एक्स. कार्तिक मुझे साइको एक्स बुलाता है? रियली सॉरी आई डोंट नो एंड आई एक्चुअली डोंट केयर. तुम प्लीज इस पे साइन कर दो, मैं तुम्हारा चेक काट देता हूँ. नाम? नाम भी नहीं बताया उसने. अब क्या फर्क पड़ता है उसने बताया नहीं बताया, तुम्हें पता है ना तुम्हारा नाम. तो प्लीज तुम कर दो ना साइन इस पे. ओ माय बेबी. वेयर्स कर्मा? कर्मा? कार्तिक ने घर बेच दिया और तुम्हें कर्मा के बारे में भी नहीं बताया? I don't believe in कर्मा. कर्मा बेबी, कर्मा. वो आवारा जंगली कुत्ता तुम्हारा है? You know what he did? He attacked Mrs. Robinson and he attacked me too. कुत्ता नहीं है वो, कर्मा is a bitch.
No wonder she found you. Karma! Fucking stoned. Karma! Baby! पेज पे इनिशियल्स और यहां पे लास्ट पे साइन. बात बताओ, ये किस तरह का आदमी होता है जो एक दिन कर्मा को अडॉप्ट करता है और दूसरे दिन डिसाइड करता है एंड ऑफ रिलेशनशिप? उसने कर्मा से पूछा? नहीं, बेचारी को पता ही नहीं है दैट कार्तिक हैज मूव्ड ऑन. उसे पता ही नहीं है कि घर उसका अब रहा ही नहीं. आज भी इसी घर में वेट करती है. व्हाट एन इडियट. काश ही मूव ऑन को एक एंटीबायोटिक पिल बनाकर दे सकते. कितने लोग की जान बच जाती. I want to move on. Karma move on करना चाहती है, पर हो ही नहीं पाता. Psycho X. जी हाँ, कार्तिक से मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा. And I'm not sure कि मैंने इतनी देर उसकी बकवास भी क्यों सुनी. Psycho X. उसकी बातों से वो काफी damaged, demented और defective sound करती थी. Kind of like me. उसकी बातों से वो काफी lonely भी sound करती थी. Like me again. And let me tell you, it secretly felt very nice to know that someone was as fucked up and as broken like me. Yes. Kartik, मुझे दादी माँ की bangles लेकर बुलाता है and me like a moron, मैं जाकर उसका wait करती हूँ. मुझे पता है वो मुझसे सिर्फ bangles लेने ही आ रहा है. शायद मेरी coffee खत्म होने से पहले ही निकल जाएगा. पर इतने दिन बाद उसने मुझे याद किया. उसे मुझसे कुछ चाहिए. He needs me. He needs the bangles. इतने में खुश हो जाती हूँ. तो मैं वेट कर रही हूँ उसका और फिर वो आता ही नहीं. सब बुरा लगता है. It hurts. पर बाकी टाइम तो जैसे मुझे कुछ फील ही नहीं होता. बाकी टाइम तो मैं सुन साइफर, जीरो फीलिंग्स, डेड इनसाइड. जैसे कोई एनेस्थीसिया का इंजेक्शन किसी ने मुझे दे दिया. यू नो कर्मा, आई थिंक आई सॉ कर्मा. मैंने उसको नीचे देखा था. हेलो, ओए, हेलो, अरे वेट, हेलो साइको एक्स. अरे ये पेपर कौन साइन करेगा? हेलो, अरे साइको. कर्मा, कर्मा वेर आर यू? कर्मा बेबी वेर आर यू? लुक हू इज कम टू गेट यू बेबी, वेर आर यू? हेलो कर्मा, तुम्हारा कुत्ता नहीं मिलने वाला. घर जाओ, सो जाओ. तुम घर जाओ, मेरे वो घर मेरा है. और तुम्हें क्यों मेरी इतनी फिक्र हो रही है? अरे मुझे तुम्हारी फिक्र इसीलिए हो रही है क्योंकि जब तुम जाओगी उसके बाद ही सुकून से सो पाऊंगा ना मैं. वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा, किसी के भी घर में घुस जाती हो. और मेरे घर की तो चाबी भी है तुम्हारे पास. Can I please borrow your umbrella? तुम आधी रात को इतनी बारिश में अपने कुत्ते को ढूंढ रही हो. एक बात बताओ, does he even want to be found? उससे क्या फर्क पड़ता है? I love my dog. I need to find her. तुम क्या हमेशा से इतनी delusional हो? कर्मा! वैसे कार्तिक सही कहता है तुम्हारे बारे में. You're quite crazy, I must say. Because I care? No. क्योंकि इतनी रात को इतनी तेज बारिश में कुत्ते को भी अक्कल है कि कहीं घूमने ना निकले और तुम यहाँ ढूंढ रही हो उसे. तुम भी जाओ, जाके सो जाओ और दूसरों को भी सोने दो.
Oh. So this is your regular workout routine. You always take the stairs. मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। Oh, I'm really sorry. मुझे पता नहीं था। मुझे भी पता नहीं था। पिछले एक साल में मैंने डिस्कवर किया कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। You know, anxiety attacks, sweating, सांस ही रुक जाती है। पता जब मैं कार्तिक के साथ थी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये तो पिछले एक साल में। सुनो, ये कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है कि एक दूसरे को जानने के लिए हम कोई पर्सनल नोट्स एक्सचेंज करें। मेरा फोन भीग गया है। I'm not able to call anybody. Is it okay if I just borrow your phone to call an Uber? Sure. Thank you. Fancy this. कार्तिक के लिए लिया था। Nightmares आते हैं उसे। फिलहाल उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा nightmare तुम हो। I doubt this dream catcher will help. I'm sorry. उसने ऐसा कहा? कि please तुम It says 15 minutes. The Uber should be here. Thank you. Psycho X उसने कब बोला? मतलब किस context में? You know, अगर कोई तुम्हें Psycho X कह रहा है, तो context है कोई भी हो. I think what you should focus on is the word psycho, and also the fact that he's calling you an X. कहाँ मिले तुम उससे? You know, I think मैं ड्रायर लेके आता हूँ. Drying your phone with that. हाँ भाई, मुझे पता चला समीरा आने वाली है. Please don't give her my new address. तूने मुझे बताया क्यों नहीं? वो इतनी क्रेजी है. लिंक जो भी है, घर मत आने दियो, अदरवाइज वो वापस नहीं जाने वाली. वो दूसरे कमरे में ही बैठी है. तू पागल हो गया है क्या? Get her out of there as soon as possible. अच्छा ठीक है, काम डाउन, मैं तुझे कॉल करता हूँ. The fuck do you think you're doing? Sorry, वो बॉक्स ऊपर से. You know, कार्तिक सही कहता है तुम्हारे बारे में. You're a bloody psycho. उसको फॉलो करती हो, उसकी गर्लफ्रेंड को फॉलो करती हो, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए बाय गोइंग थ्रू माय पर्सनल स्टफ. यू नो ही वाज राइट. उसने मुझे वार्न किया था, मुझे समझ जाना चाहिए था. बट आई वाज द वन हू फेल्ट बैड फॉर यू एंड आई वाज द वन हू वांटेड टू हेल्प यू. बट ही वाज राइट. यू आर जस्ट पैथेटिक. मैंने कुछ भी नहीं किया. एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइवेसी. डू यू गेट इट? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? कोई शर्म है? वीर ने जो भी कहा वो गलतफहमी थी. उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. What shattered me was जो कार्तिक मेरे बारे में सोचता था. साइको एक्स, स्टॉकर, लूजर, पथेटिक. I still loved him. एक टूटे हुए रिकॉर्ड के फंसे हुए गाने की तरह, जो अब बेसुरा और कंप्लीटली इरेलेवेंट हो चुका है. आई स्टिल लव्ड हिम. आई थिंक दैट इज हाउ डायनासोर्स वेंट एक्सटिंक्ट. सारी दुनिया बदल रही थी एंड दे कुडंट मूव ऑन विद द टाइम्स. इट्स लोनली being a dinosaur. Oh my little Gucci baby. Oh my baby. Good morning. Morning, bhai. Fuck, is ghar ki chabi kitron ke paas hai? Aur Kartik sun, jab maine ghar kharida tha tab to tune bataya nahi this house comes with your stalker ex. And friends who get your breakfast. Cheer up, babe. Kya bhai, wahan pe kya dhoond raha hai? Checking for a psycho ex. Oh, हाँ, मुझे उससे याद आया. सुन, तेरा वो ड्रीम कैचर वहाँ पड़ा है. तेरी साइको एक्स ने भेजा है तेरे लिए. कहती है तुझे रात को डरावने सपने आते हैं. Is that true? You see what I mean?
ये ड्रीम कैचर छोड़ के जा सकती हैं लेकिन बैंगल्स वापस करने नहीं आएंगी बिकॉज दैट्स अ क्लियर अपॉर्चुनिटी टू मीट मी. हम 5 साल के रिलेशनशिप में ना 1.5 साल से ब्रेकअप कर रहे हैं. आई सॉ दैट आई एम नॉट ट्राइड एंड एवरी टाइम आई हैव ट्राइड आई हैव फाउंड माई सेल्फ ऑन अ ट्रिप वेकेशन और एंड वन डे आई फाउंड दैट मैंने अम्मा जी की बैंगल्स यू से दे दी हैं. तो तुमने उसको दिए क्यों? ये भी गलती हो गई मुझसे. बड़ा वापस मांग रहा हूँ ना तो दे दो ना आराम से यार. लेकिन नहीं, क्लोजर चाहिए. 36 किस्तों में क्लोजर करेगी क्या? भाई जो मैंने देखा है वहां से तो यही लग रहा है कि ये लाइफ टाइम ईएमआई स्कीम है. गाइस कम ऑन, आई एम रियली गेटिंग बैक फॉर हर नाउ. भाई मेरे लिए भी कोई बुरा मना लो. शी इज टॉकिंग मी, तुम उसकी साइड ले रही हो. अरे क्यों, कोई थंब रूल है क्या कि आई नीड टू हेट योर एक्स? शी इज नॉट सम रैंडम गर्ल जिसको ये बस मार्केटप्लेस में मिला एंड शी फेल इन लव विद हिम, लव एट फर्स्ट साइट. शी इज नॉट स्टॉकिंग यू. You've been in a relationship with her for 5 years. It's a long time. Maybe she's not okay. Good morning. Good morning. Where were you? Puri raat, we were trying to call you. You didn't bother to call, not even once. Tumhara phone nahi lag raha. Didn't you even think once that... One second. You could be worried about you, one right? One second. Are you okay, Sam? कार्तिक ने मेरा घर भेज दिया. मुझे कल रात को ही पता चला. सैम लिसन टू मी, कार्तिक का नया एड्रेस क्या है ना वो तो मैं तुझे अभी पता करके बताती हूँ. लाइक राइट नाउ. लिसन, दैट इज नॉट व्हाट शी नीड्स राइट नाउ. ओके अग्नि, डोंट डू दिस अग्नि. हेलो, हाँ पार्थ, तुम्हें पता है ना कार्तिक का नया एड्रेस क्या है? व्हाट, यू न्यू इट ऑलरेडी राइट? अरे मदर प्रॉमिस मतलब क्या है यार? और फिर कहाँ सफर करेगी यार तू? Aren't you tired? Look at all this. It's all a sign. Get a new phone. Get new heels. Fucking get a new life. अभी है ना ये पार्ट बहुत सगा बन रहा है कार्तिक का. Don't worry, मैं अभी घर जाके सेट करती हूँ. I'll get you the address. ऐसे कैसे भेज दिया यार घर? अच्छा listen, घर खाली? नहीं, वहाँ पे कार्तिक का एक कजन शिफ्ट हो गया. पहले तो आई वाज आल्सो लॉस्ट कि आदमी कौन है. एंड देन जब मैं घर पे आई कल रात को देन आई रियलाइज इसका नाम वीर है. ही सीज हिज डेड वाइफ. व्हाट? या मुझे कार्तिक ने बताया था ये सब सीरियस रेज इश्यूज. ही थिंक आई एम डेस्परेट. उसने अपने कजन को मेरा नाम नहीं बताया. यू नो ही वाज रेफरिंग टू मी एज साइको एक्स. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. नहीं सुना तूने कबीर का दुआ? तेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ है यार? हाउ डज इट मैटर, जो बोलता है बोलने दे. तुझे लगता है तू साइको? नो राइट, दैट्स इट. शट अप अग्नि, जस्ट शट अप. सैम, यू वांट कार्तिक टू रिस्पेक्ट यू, करेक्ट? ओके, उसके जो बैंगल से वो मेरिश नहीं है और जो पैसा है उसे पार्टी करनी है. अरे यार शट अप. पहले तो तू इसे अनफ्रेंड कर दे और मेरे साथ चल. ये कंगन है ना, ये कार्तिक की दादी माने दी है और ये कंगन सैम अपनी शादी में पहनेगी. गेट आउट ऑफ माय हाउस राइट नाउ. सैम लिसन टू मी वेरी केयरफुली. कार्तिक की तूने जितनी भी चीजें समेट कर रखी हुई ना, जस्ट गेट देम ऑल टुगेदर. वी नीड टू थ्रो इट अवे. यू नीड टू डू अ स्प्रिंग क्लीनिंग ऑफ योर फकिंग लाइफ. डू यू गेट मी? यार एक बात बता, उस लड़की के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है? वो परेशान है, तेरे ऊपर क्यों माता चढ़ रही है? तू तो चुप ही रह, ठीक है? मैं क्यों चुप? इट इज ऑल बिकॉज़ ऑफ यू. तू ही बोल रही कार्तिक कार्तिक कार्तिक. सैम इतनी बात मत सुन यार. सैम, हेलो पार्थ. पार्थ अपनी बीवी को लेकर यार. बीवी तेरी है, हमें झेलना पड़ता है. क्या तेरा एपिक चल रहा है? मत कर, हमने वेकेशन प्लान किया है. सैम को हाय मम्मा मेरे पार्थ को क्या? हां तो हटा ना अपना पैर मोटी. सैम सैम हटो. सैम अग्नि, मैं इधर आता हूं. हां तो तोड़ दे, हट जा हट जा. Kabhi-kabhi you have to choose between trying one more time and starting over. Kabhi-kabhi you choose waiting. Sometimes you know that everyone around you has moved on, but you alone are stuck. Sometimes you say no to new beginnings.
या साथ दे दो, मिल सको तो आके जवाब दे दो। ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, तुम लोगों में इन्वेस्ट करते रहोगे या मुझ में भी कभी कुछ इन्वेस्ट करोगे? तुम तो मेरी एफडी हो। हेलो। हाय समीरा। समीरा हो? हम कल रात मिले थे। आई केम ओवर टू योर हाउस, रिमेंबर? रियली सॉरी फॉर लास्ट नाइट, यू नो वो लड़की आ गई, वो बहुत कंफ्यूजन हो गया। एक्चुअली मैं उसे जानता तक नहीं, और दरअसल वो मेरे कजिन की एक साइको एक्स है। हाँ, वो साइको एक्स मैं ही हूँ। समीरा हाय। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? सुनो, कल रात को जो भी बातें तुमने कही वो कार्तिक ने खुद कही थी या तुमने अपनी तरफ से गुस्से में ऐड करके बताई? बिकॉज़ कार्तिक डजंट टॉक लाइक दैट। तुम आधी रात को मेरे घर में घुस आई, मेरी डेट खराब की, and then you went through all my personal stuff as well. मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। और आज तुम मुझे फोन करके सॉरी कहने के बजाय कार्तिक क्या बोलता है ये जासूसी कर रही हो तुम मेरे साथ? Really wow. You know, don't call me again. ठीक है, I'm hanging up. No, listen. Can we meet up? Why? I think मैं अपना ड्रीम कैचर तुम्हारे घर पर भूल गई थी। Pathetic. Now you're trying to stalk me? Stalk नहीं कर रही, help कर रही। Don't you need me to sign the papers? Whoa, one sec. बात मैं तुम्हें फोन पे ही बता दूं, ठीक है? अगर तुम ये पेपर्स इसलिए साइन कर रही हो कि मैं तुम्हारे और कार्तिक के बीच में कोई कम्युनिकेशन का लिंक बन सकता हूं, देन यू आर बार्किंग द रॉन्ग ट्री, ऑलराइट? मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे घर की, मैं कल से दूसरा घर देखना शुरू करता हूं। ओके लिसन, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या कॉम्प्लेक्स है, मे बी यू लाइक टू फील नीडेड, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि दिस इज मोर देन जस्ट लीगल फॉर्मेलिटीज। फाइन, जस्ट मैसेज मी द टाइम एंड प्लेस, आई विल बी देयर। समीरा, बैंगल्स। समीरा, प्लीज टेल मी कि तुम बैंगल्स लेके आई हो। कार्तिक, क्या हम दो मिनट बात कर सकते हैं? समीरा, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑफिस में, एंड आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ ट्रैफिक राइट नाउ। अनन्या इज आउट देयर वेटिंग फॉर मी देयर। पेपर्स ही साइन करवाने थे तो यहाँ बार में क्यों बुलाया है? यही काम मेरे लॉयर के ऑफिस में हो जाता। व्हिस्की, बर्बन? नो नथिंग, आई विल जस्ट हैव पानी। जस्ट पानी? यस, एक ग्लास पानी पिलाइएगा प्लीज। मेरे लिए रिपीट करना प्लीज। ओह या। अच्छा, कार्तिक ने मुझे साइको एक्स के कॉन्टेक्स्ट में बुलाया। तू कितनी ढीठ हो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। थैंक गॉड, एक सेकेंड के लिए तो मेरी सांस ही अटक गई थी। तुमने बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पियोगे? नहीं पीना यार। इट इज वेरी स्मूथ। फ्री ड्रिंक्स के लिए मोडस ऑपरेंडा अच्छा है तुम्हारा। फ्री बिल्कुल भी नहीं है। आई एम पेइंग फॉर इट। गो फॉर इट, व्हाटएवर यू वांट। सो काइंड ऑफ यू, बट रियली नॉट इंटरेस्टेड। एक पर्सनल बात शेयर करूं? मैं और कार्तिक पहली बार 5 साल पहले इसी बार मिले थे। Kartik again. पेन ये लीजिए, पेन, और करिए साइन। कहाँ पर? यहाँ पर। ना भाव खाते हो तुम, जैसे मैंने कोई इंडिया के डिफेंस सीक्रेट्स पे
What the fuck? What are you doing? लीगल पेपर्स पे डूडल कर रही हो तुम? मुझे दोबारा बनवाने पड़ेंगे समीरा. Are you understanding what you've done? You're finding this funny. What is wrong with you? यही तो मैं भी सोचती हूँ. That what is wrong with me? He's moved on. He's sorted out. He's happy. Then why am I the only one who's hurting? Okay, wait. Just calm down. थोड़ा पानी पी लो. शायद तुमने थोड़ी ज्यादा पी ली. But this will make you feel better. पानी पी. Hey, hey, wait one sec. Hello. Are why are you crying? Huh? Wait. Samira, okay. Pani pio. Please. Samira, please. हाँ, थोड़ा. Tissues. You know, आसु पोछो तुम अपने. Please. You know, this is really embarrassing. Please stop crying. यहाँ पे सबको लग रहा है मैं तुम्हें रुला रहा हूँ. ठीक है. Why you making me look like the bad guy? हाँ, एंड कैन आई से वन थिंग? मुझे ऐसा लगता है ना, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो मॉडरेशन की है. आई जस्ट थिंक दैट यू लव टू मच. इतना प्यार किसी भी चीज से नहीं करना चाहिए. पर अभी तो तुमने कहा दैट आई लव टू मच. हाँ, तो मैंने तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम बताई है ना, उससे डील करना तुम्हारा काम है, मेरा काम थोड़ी ना है. यू नो, बट आई रियली थिंक आई कैन हेल्प यू विद वन थिंग. या I really think you need to visit a shrink. And my best friend, she's the best shrink in the city. मैं तुम्हें उसका नंबर देता हूँ. तुम उसे कॉल करके मेरा रेफरेंस दे दो. Seriously. Please, yeah. No, I really think you have psychological issues. I do. You know what I think? I think that you love too much too. What? You love too much too. तुम्हारी भी तो वही प्रॉब्लम है. क्या? तुम्हारी वाइफ, शी इज डेड. कितने साल हुए उसे गुजरे हुए? 3-4. किसने बताया तुम्हें? तुम्हें भी लोगों ने कहा होगा. कार्तिक ने बताया ये. जस्ट मूव ऑन. वीर, यू आर क्रेजी. डोंट यू फकिंग डेयर. ऑलराइट, मेरी बीवी के बारे में बात नहीं करना. इज दैट क्लियर? ओके. आई एम सॉरी. I'm not going to talk about your wife. मैं तुम्हारे बारे में बात करती हूँ. You know, from the outside, you look like you're this really cool, charming, really calm guy. But you're as fucked up as I am. Difference सिर्फ ये है कि तुम अपना psychological damage छुपा लेते हो, मैं नहीं छुपा पाती. Right? Don't you dare that again. Right? सबसे पहली बात. तुम्हारे और मेरे बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है. ठीक है? You've been fucking dumped, whereas I. Okay. Yeah. Okay. So common कुछ नहीं है. Okay, I agree. हाँ. Okay. I agree that I have a stupid story. I am hung up on a guy. Hung up on him. And you. Yeah. पर एक बार सोच के देखो, अगर तुम्हें एक मौका मिलता अपनी बीवी को देखने का, मिलने का, बात करने का, would you think about it? Shut the fuck up! Is that what would why? Just knowing that why somebody just went away. I just said shut the fuck up! कल से मुझे फोन नहीं करना, ठीक है? Really? तुम अभी मुझसे बात करनी है? Everybody rise up, even the husbands, please. The mothers can turn their back towards their husbands. All right, let's face your wife. Firstly, let her cool and calm down. Chhod, you give me an appointment. Later, तो तुम मेरी सुनते नहीं हो. अगर मेरी लोगों से बात भी कुछ हो तो. Calm down. सुनो इंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है. Calm down. Let's take some deep breaths. और आदिल कहाँ है? वो आज फिर से लेट है. I have to tell you, he's very nasty with you. Shut up, okay? He's my husband and I love him. Shut up. Shut up. Okay, चलो. Deep breath in. देखो, मुझे पता है, मुझे यहाँ पैसे नहीं. It's very urgent, यार. Breathe out. That psycho bitch, you know, she's cool with me. अरे, कार्तिक, सही सी एक्स, यार. Well done.
पता क्या करा उसने आज? आज उसने मुझे साइको एनालाइज किया एंड अकॉर्डिंग टू हर मैं भी उसी की तरह इमोशनली डैमेज हूं। We'll now take the squat position. The husbands can now hold their wife's hands for support. You know what? वो खुद को मुझसे कंपेयर कर रही है। मुझे कहती है, वीर, you're in pain and I can see it. And she see my pain. उसमें और मुझमें कितना फर्क है यार? She got fucking down. वो अपने आप को मुझसे कैसे कंपेयर कर सकती है? बताओ। It becomes competition for a man. And how's hers bigger than mine? And one more thing. Job, guys, y'all are doing great. वो कार्तिक से बहुत obsessed है. वो बहुत बड़ी चिपकू है, stalker है, सब कुछ है वो. पता है कार्तिक ने उसको कितनी बार reject किया है, लेकिन वो फिर भी उसके पीछे पीछे भाग के चली आती है, just like a sad little puppy dog. How is that pain? How? You felt bad for her. Did you just call her a sad little puppy dog? This Kartik sounds like an asshole. Who is she? I don't know. And I'm not feeling bad for her. No, I told you, she's a psycho. Why will I feel bad for her? A man never understands the pain of a woman. मेरे तरफ क्यों देख रही हो? मैं इसके जैसा थोड़ी ना हूँ, baby. I love you. I get your pain. Sit down, sit down. आराम से. Hold your wife's ankles and assist. हमारी 143 sessions में तुमने कभी किसी और के बारे में बात नहीं की. So maybe whatever she said seems to have rattled you. Typical man problem, escapism. अगर उसकी बातें तुम्हें इतना bother कर रही है तो कुछ तो सच होगा ना? Excuse me, मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या? अब हमारी बातों के बीच में interrupt क्यों कर रही है? Denial. तुम संभालो अपनी बीवी को. तुम चुप करो यार, मेरी बात सुनो. मैं उस psycho के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ because I want to know it from you that I'm not as crazy as her. You're in pain. It's okay. उसने जो कुछ कहा है तो मैं उससे अपनी याद आती हूँ. You're relating to her. You're empathizing with her. Which is okay. It's not a bad thing. अब तुम फिर इतना एटीट्यूड किस लिए? और तू उससे मिलने गई क्यों? हाँ, पोर्नो कर्मा नहीं मिल रही और मुझे लगा दैट ही विल अंडरस्टैंड माय पेन. यू नो वो कार्तिक का कजन है. कार्तिक का कजन है, सो ही इज जेनेटिकली प्रोग्राम टू बी एन इमोशनल कसाय. मैंने उसके नाम का टैरो कार्ड निकाला. इट्स अ डिक. अंधी. It's a talwar. No, yaar. Perspective damage. Oh, fuck. She's right. It's a dick. I know. I think uska na dick chota hoga. Jin ladkon ki dick choti hoti hai na, wohi apni personality aise thodi badi karke dikhate hain. Fuck him. Exactly. Just fuck him. Sare problems solved. Kaisi advice de rahi hai yaar. पता चला शी स्लीप्स विद देम देन दे आर डिस्कसिंग सैम. एग्जैक्टली. सो जब उन्हें पता चलेगा कि सैम उन्हें डिस्कस कर रही है, मेजर कर रही है, उसे रेप भी कर रही है, ची 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 ची, इस एक मास्टर स्ट्रोक से उनका ब्रदरहुड डिस्ट्रॉयड. कैसी ज्ञान ध्यान की बातें कर रही है पोर्नो. Should we talk a little? It was good. In fact, very good. I say 5 stars. I hope tumhara feedback bhi mere feedback ko match kare. But it wasn't personal, so you know what? Fuck you. Yes. तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है. खबर मिलेगी यहाँ प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है. क्या? मैं इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ सर. ये लड़का रोज नई नई लड़कियाँ लेके आता है यहाँ. हाँ तो क्या लड़कियाँ बैंड आइटम्स है क्या इस बिल्डिंग में? एक अपे
तलाशी लो करके। एक मिनट तलाशी लो मतलब ऐसे कैसे सर? तलाशी नहीं ले सकते ना। एक मिनट रुकिए आप। प्लीज मैं लगा रहा हूँ फोन, ठीक है? लग नहीं रहा है फोन, आप वेट करिए। हेलो समीरा, हाय दिस इज वीर हियर। I really need your help, yaar. I'm so sorry. I'm calling you so late, and it's very urgent right now. Yes, sir. मैंने खुद थोड़ी देर पहले एक लड़की को अंदर आते देखा यहाँ. Yeah. सीधे तरह बता, लड़की कहाँ छुपाई तूने? लड़की कहाँ छुपाई है मतलब क्या? कोई दिवाली की मिठाई का डब्बा है जिसको फ्रिज में उठा के रख दूंगा मैं। रात के 1 बज रहे हैं, आपके पास कोई वारंट नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी आप ऐसे मुझे हरास कर रहे हैं। आ गई, बोला था ना जितनी जल्दी हो सका मैं आई। नहीं सर, एक मिनट सर, दिस इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग सर। मैंने बोला था ना सर, माय बैड। हे, व्हाट आर यू डूइंग? गेट अप। पुलिस? लड़की सीधी तुम्हारे बिस्तर पर? सर मुझे नहीं पता ये क्यों कर रही है सर, ये प्लीज एक साइको, उठ रिक, उठ। माय बैड, गेट अप। दिस इज नॉट योर बेड एनीमोर, गेट अप। साहब जल्दी आइए, दो लड़कियां और हैं। लड़कियों की होम डिलीवरी? सर ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है सर। सर नहीं सर। अरे सुनो, हेलो, ये तुम्हारा ड्राइवर मुझसे क्यों पैसे मांग रहा है? सर इन तीनों ने तो बोला था कि पैसे आप दोगे। क्या दे दो? तुमने तुमको यहाँ पे अकेले बुलाया और तुम ये पूरी गुलाबी गैंग के साथ आई हो। सैम ले ले यार, इतनी दूर आए, इतना तो बनता है। सर अब तो आप मेरी बात पे विश्वास करोगे ना? एंड यू, ये सब कैसे एक्सप्लेन करोगे? सर वो मिस्टर का है सर, एक हमें तुम्हारे जैसे बदमाश बेहया लोग अपनी सोसाइटी में नहीं चाहिए। सर आप मुझे 10 मिनट देंगे प्लीज? हेलो आदिल, आदिल आई एम रियली सॉरी यार, बट आई थिंक मुझे इस घर से भी मूव आउट करना पड़ेगा यार। जेन्युइन प्रॉब्लम है आदिल, प्लीज मैं फोन पे नहीं बता सकता, तुम प्लीज यहाँ पे आ जाओ प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे भाई, प्लीज इट्स वेरी अर्जेंट, थैंक्स। यू नो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जब तुम कार्तिक के साथ थी तब भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी? नो वंडर यू आर सिंगल। उसने कुछ कहा क्या मेरे ड्रेसिंग सेंस के बारे में? You know, you really need to do something about this unhealthy obsession. It is so, so sickening. Sir, वो क्या है ना, वीर की वाइफ की डेथ हो गई थी कुछ साल पहले, बेचारा ही इज ट्राइंग टू गेट ओवर इट। गाइस तुम मेरे पर्सनल मैटर्स क्यों डिस्कस कर रहे हो? और एक्सक्यूज मी, और आधी रात को जो लड़कियां आती हैं वो, व्हाट अबाउट देम? शोक सभा पे आती है सर, और वो है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है समीरा, है ना, इसका और उसके कजन का ब्रेकअप हो गया है, वो ये घर ना उसके कजन के साथ जॉइंटली ओन करती है, उनका ब्रेकअप हो गया तभी तो ये रह रहे हैं। ए तुम ना कभी मेरे पर्सनल मैटर्स क्यों डिस्कस कर रहे हो? सर आप सोसाइटी के रिकॉर्ड्स चेक कर लीजिए, ये घर सैम, समीरा और कार्तिक के नाम पे। बाथरूम से ये कुत्ता मिला था, ये लो आ गया तुम्हारा। सी कर्मा, देयर इज नो रियल प्रॉब्लम। चलिए करना सर, यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चला। सुनो इसको प्लीज तुम कल अपने साथ ले जाओ, ठीक है? एक्चुअली नहीं, व्हाट एम आई सेइंग, इसको यहीं रहने दो, तुम भी इस घर में वापस आ जाओ, मैं खुद मूव आउट कर जाऊंगा कल। यू डोंट नीड टू, मिस्टर खन्ना से मैं बात कर लूंगा, अगर पेपर्स तैयार हो जाए ना तो मुझे बता देना, मैं साइन कर दूंगी, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। और अगर कल तुमने अपना मन फिर से बदल लिया तो? नहीं बदलूंगी, आई प्रॉमिस। सच में तुम्हें जरूरत नहीं है कहीं जाने की, ओके? आई नो यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन।
बस एक फेवर चाहिए, अगर मूव ऑन कर लिया ना तो बता देना कि कैसे किया, पॉसिबल है भी या नहीं। क्या गर्ल्स लुक हू इज हियर, यू कुड हियर करमा हियर, कम लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन। Hi. Coffee? No, thanks. ये agreement के papers हैं, हर page पे initial और last page पे सिर्फ sign. तुम्हें पता है squash खेलते वक्त कार्तिक के हाथ पे चोट आ गई, तुम please उसे एक बार देखने जाओगे? वही पेपर साइन करके वहीं पर डिलीवर करने आ जाऊंगी। I'm just kidding. Yeah, I know that kind of humor. अपनी deepest darkest fantasy को एक joke बनाकर you're just saying it loud. You know Karthik doesn't love you, right? क्या करोगी मिलके उससे? मैं एक बार उससे बात कर पाती। No, I promised you that I'm not going to trouble you, so I won't. It's good. You know what? I will help you. क्यों? क्योंकि I know that a wish can fester deeper than a wound. तुम कार्तिक से मिलना चाहती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार, बस एक बार, जस्ट वन चांस। गुड, सो आई थिंक यू गॉट योर चांस, आई हैव गॉट माइन। थैंक यू फॉर दिस। वीर, थैंक्स। Thank you for having us here. We love it here. You guys must check out this place. We should plan something. What else? Hi. You have to stop following me, Samira. मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही। क्या हाल है भाई? Hey. You're looking stunning. तू उसके साथ क्या कर रहा है? मैं वो घर के पेपर साइन करने के बाद we decided to come here for a drink. कोई प्रॉब्लम है क्या? स्मोक, लेट्स गो फॉर अ स्मोक, कम कम कम। क्या हुआ भाई? तू जानता है ना वो कौन है? कौन? समीरा? My psycho ex Samira. Sorry, bhai, but she can't be one of your random fucks. Oh. Good voice. Karthik, tumhari ex andar hai. Introduce me. Agar mujhe pata hota to main aata hi nahi. You know, I think he's upset that she's my date tonight. Well done, Veer. Thanks. Bhai, pagal hai wo. Clingy hai. Tu janta na main kab se usse peecha chhodane ki koshish kar raha hu. Kitni baar humiliate kar chuka hu yaar. But nahi. She just fucking can't get over me. वैसे तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना?
हाँ समीरा हाय कार्तिक हमेशा बातें करता है तुम्हारी कार्तिक यू नो ही नेवर डज जस्टिस टू एनीथिंग आई मीन उसने मुझे बताया था दैट यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस कार्तिक की बिच सैमी को ह्यूमिलिएट कर रही है एक रिलैक्स ओके पार्ट पार्ट एक बात समझ ले आज ना ईदर यू आर विद अस और लुक एट मी और अगेंस्ट अस ओके अनी प्लीज व्हाट अ प्लीज व्हाट गाइस वन सेकंड सॉरी श्योर तुम अनन्या के साथ बैठ के गप्पे मार रही हो तुमने कार्तिक से बात की कि नहीं ना अनन्या से बात की हां वो मैंने देखा You know, she's so beautiful, she's good looking, she's smart, she's warm. Look at me. Look at my body. Isn't it ugly? Eh? Yeah, I hate my body. You hate your body? I think everybody does. Hello, psycho, snap out. Don't forget ki tum yahan pe kisi reason se aayi ho. Tum us pe focus karo na. Go talk to Karthik, tum wahan pe baith ke usse gappe kya lada rahi ho? You know, I really wanted to hate Ananya, but she was just so nice to me. No. Wait. Wait. Hello. Stop crying. Don't be stupid. Shh. Wait, come on, yaar. You can't put me through the same thing again. Please stop crying. Yaar, please stop crying. Suno, logon ko phir se lagega ki main tumhe rula raha hu and I can't go through that again. This is really embarrassing. Please. Okay. Yeah, stop crying. Look at me. Calm down. Okay? Tum jante ho wo use kyun pasand karta hai? Kyunki wo khud ko pasand karti hai. There is you. वो अभी वहां से एक आवाज मारेगा तुम भाग के उसके पीछे जाओगी दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यू टू और तुम्हारी जैसी जो अच्छी लड़कियां होती है ना उन सब के साथ यही प्रॉब्लम है तुम सबके माथे पे एक स्टिकर चिपका होता है उस पे लिखा होता है यूज मी एंड दैट इज व्हाट पीपल डू दे यूज यू एंड दे थ्रो यू स्टॉप स्टेयरिंग एट हिम नाउ गेट अ ग्रिप ऑफ योरसेल्फ फोकस ऑन व्हाट यू आर हियर फॉर एंड गो डू दैट ठीक है और वैसे भी मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है देखो 12 बजने में सिर्फ एक घंटा है एक घंटे में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो मैं कार्तिक से जितनी बात करनी है तुम कर लो यू नो यू टॉक लाइक सिंड्रेला हाँ मेरी फनी गो या एंड यू आर लुकिंग जस्ट फाइन यू गुड गो कम ऑन नाउ गो I'll drop you. Come in. कोई प्लान है तुम्हारा भी? नहीं. ग्रेट. तो तुम मेरे साथ चल रही हो. कहाँ जाना है? वो सरप्राइज है. ये तुम्हारा घर था हमारा घर वो म्यूरल देख रही हो सामने ये उसी ने बनाई थी और वहां पे ऊपर वो स्टडी बनाना चाह रही थी मेरे लिए काफी इलैबोरेट प्लान्स थे उसके बट शी डाइड वैसे लोग कहते हैं कि टू हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद योर पार्टनर
यू मस्ट ऑलवेज टॉक टू ईच अदर, इसीलिए मैं आज भी अलीना से बात करता हूँ। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि मैं क्रेजी हूँ? मुझे लगता है कि या इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से दोस्त हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ। ईशान भी कार्तिक उनमें से एक हैं। अब देखो भाई, मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक ये दैट आई हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद माय वाइफ एंड बी लेबल्ड एज अ क्रेजी मैन, और कंप्लीटली स्टॉप टॉकिंग टू हर एंड बी लेबल्ड एज अ नॉर्मल मैन। बट आई प्रेफर द क्रेजी मैन। अगर मैं मर जाऊं तो मैं चाहती हूं कि कार्तिक भी मुझे ऐसे ही मिस करे। I want him to miss me like it's the end of the world. हमेशा के लिए नहीं, but at least for a little while. Oh, it's time. Should we sing? Yeah. Ha. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Alina. Happy birthday to you. Yellow. मैं डाइट पे नहीं हूँ। वैसे तुम अब मेरे बारे में काफी कुछ जानती हो, तो सच बताना, तुम्हें मैं पागल तो नहीं रखता ना? सच बताऊँ? I think it's very romantic. You have a very crazy notion of romance. But आज के लिए it's okay. आज I need someone with me who's as crazy as me, जो मुझे किसी बात पे जज ना करे। Yeah. मैं क्यों तुम्हें जज करूँगी? Because you're not in a position to judge. So tell me, how pretty was she? Come on, तुम कितनी शैलो हो। तुम्हारी हर बात प्रीटी पे ही आके रुक जाती है। बट हाँ, शी वॉज वेरी प्रिटी। इन फैक्ट शी वॉज वेरी वेरी प्रिटी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक बिफोर यू एक्चुअली गेट ओवर समवन? कितने दिन, कब? हाउ लॉन्ग डज इट टेक बिफोर actually stops hurting? मुझे ही देख लो, मैं 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ। I don't think you can ever stop loving someone. बच्चा उनकी फीलिंग्स है, कोई वेंडिंग मशीन थोड़ी ना है जो बटन दबाओ तो रिस्पेक्ट, बटन दबाओ तो हनी। तू है ना, तू भी एक बिच है। तू? हाँ, तू ना उस कार्तिक की बिच है। तुमसे तू, बेबी आपने बहुत पी लिया, आप घर चलो। मैं क्यों जाऊंगी यार घर? नहीं जाऊंगी मैं घर। चलो, जब कार्तिक के बिच के साथ जा, तुम सब बिचे बिचे मिलके बिचों की टोली बना लो। एक और दो यार, मैं ना तेरे साथ तेरे घर चलूंगी। क्यों? मेरा फ्रेंडशिप हो गया। एक सेकंड। लिसन, मेरा घर ना कोई हार्ट ब्रेक होटल नहीं है, ठीक है? नहीं, तुम ही ले जाओ इसे। मुझे बिच बुला रही है यार ये। यार तू उसके बिच बुलाने से तो बिच हो गया क्या? नहीं ना, वैसे भी गाली का जेंडर ही गलत है।
नहीं, कुछ गालियों का ना कोई जेंडर नहीं होता है, लड़के लड़की दोनों पे चलती है, यू नो, जैसे ना चूतिया। जब ये गाली पे किसी देना शुरू कर देती ना, मतलब बात अगर हाथ से निकल गई। सॉरी। चलो अग्नि। यार ये अच्छा है, झगड़ा तुम दोनों का होता है और झेलना मुझे पड़ता है। गेट आउट अग्नि। और नो क्या हुआ, इज शी ओके? मीना और बार्ट का ब्रेकअप हो गया। कब, कैसे? फॉरगेट इट, बट व्हेयर डिड यू डिसअपीयर? मतलब इतनी देर कहाँ लग गई तुझे? वीर के साथ थोड़ा जल्दी निकल गई थी, उसी ने ड्रॉप किया। तो तुम दोनों कजिन्स के साथ रशियन रूलेट खेल रही हो? हाँ, रिस्पेक्ट ब्रो। देख रही है अग्नि, कुछ सीख इससे। कल तक कैसे निचोड़े हुए टॉवल की तरह घूम रही थी, आज तक कैसे ग्लो कर रही है। सी, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, टू गेट ओवर अ मैन यू नीड टू गेट अंडर अनदर वन, समझ रही है तू? ठीक है, कौन वाला कजिन स्पेयर है? आई टेक द स्पेयर वन। कितनी पी है इसने? Enough to destroy my life. But hang on, something is different. क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? Did you guys, you know? We just talked, Porno. Okay. Okay. But I have to admit, felt good. Whatever rocks your boat, then. Samira and Veer. Strange, नहीं? क्यों? वो थोड़ा handsome, brooding types. Or Samira classic damsel in distress. I think it's the best match ever. Samira Veer ke type ki nahi hai. Best match. Basically tumhe bura lag raha hai ki Samira ab tumhe chase nahi kar rahi hai. Usne tumhe hazaron baar kaha I love you. And your response? Aur ab jab wo keh rahi hai ki she is not interested in you, suddenly you're getting so upset. Main upset nahi hoon. Please. इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। I'm just saying that whatever you're feeling for Samira, I am not mistaking that for love. जाने आई हूँ। I love you. And I am not making the mistake of believing you on that one either. I'm running late. I gotta go. मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था कि तुम लंच पे आ जाओ आज। I'm not interested. ईशान भी तुम्हारे हस्बैंड को अजीब नहीं लगता? पूरे टाइम मेरे पीछे पड़ी रहती है। बिलीव मी मैन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थोड़ी देर के लिए सही ना, कोई और इस ईशानवी के कंट्रोल फ्रीकनेस का सॉफ्ट टारगेट हो। अब तो मेरे हस्बैंड ने भी कंसेंट दे दिया ना। यू नो दैट आई रियली कांट रेजिस्ट यू। यू गाइस आर अ रियली क्रेजी कपल। यू गाइस आर फकिंग साइकोस यार। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, प्लीज हैंग अप, प्लीज। एक दिन तुम्हें तुम्हारा साइको भी मिल जाएगा। आई एम श्योर शी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे छोड़ दो? अच्छा, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, बट प्लीज मेरा फोन उठा लेना। ऑफ कोर्स। कितने बजे? ओके, जस्ट सेंड मी द एड्रेस। या आई विल बी देयर। बाय। व्हाट? कार्तिक ने मुझे फोन किया। अपने नए घर का एड्रेस भेज रहा है, ही वांट्स टू टॉक। ऑफ कोर्स। उसे अपना व्यू सुना सुना लग रहा होगा ना? कोई स्टॉकर जो नहीं है यार। बुरा तो लगता ही है ना। मैंने रात को 10 बार उठ के चेक किया, देन आई थॉट चलो पार्थ को 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए, लेकिन अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं। ही शुड बी स्टैंडिंग हियर राइट बिलो द हाउस। सैम, आई रियली डोंट थिंक ही लव्स मी। एक कहाँ जा रही है तू? आई नीड टू गेट रेडी। उसे ऑफिस नहीं जाना है क्या? कितने बजे मिल रहे हो तुम लोग? 5 बजे। अभी तो 7 घंटे लगे तैयार होने में। Fuck.
फिर मैं तुम्हें थोड़ी पिक्चर्स भेजूं, प्लीज मुझे बताओ ना कौन सी ड्रेस पहनूं। यू नो आई डोंट वांट इट टू लुक टू मच, और ज्यादा डेस्परेट भी नहीं दिखना। तुम बुर्का भी पहन के चली जाओगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो पिछले एक साल में तुमने किया है, दैट कांट बी अंडन, तो जाओ, जो कुछ भी तुम्हें उसके सामने बोलना है बोल दो, मेरा पीछा छोड़ो प्लीज। हेलो वीर। हाँ। तुम्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, कल तो यू वर सो नाइस टू मी। आई एम रियली सॉरी, वो दैट नाइसनेस दैट वाज अ वन टाइम ऑफर, ठीक है वीर? फिर भी थैंक यू फॉर व्हाटएवर यू हैव डन। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू एनफ। प्लीज डोंट कॉल मी यार, प्लीज। रिटार्ड्स। ये स्पीच मैंने जो हजारों बार रिहर्स की है, दिस डे विच आई हैड बीन वेटिंग फॉर, ये लम्हा विच वुड फाइनली मार्क माय फ्रीडम फ्रॉम ऑल द पेन, जब फाइनली मेरे सामने था, व्हेन आई कुड ग्रैब इट। तुम कुछ आई फ्रोज, बात करना चाहती थी। लव एट फर्स्ट साइट, 0.2 सेकंड्स, पलक झपकती है और बंद, एंड यू आर इन लव अगेन, एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड मुझे तो क्लोजर चाहिए ही नहीं था, आई वॉन्टेड अ न्यू बिगिनिंग कार्तिक के साथ। I like your hair. पहले थोड़े स्ट्रेट थे ना, नाउ दे हैव कर्ल्स, अच्छी लग रही हो। सैम वीर मेरा भाई है, but I also care for you enough not to let you be just a notch on his bedpost. I'll get tissues, don't worry. I'll be back. Show me. It's all I think it's going to stain. Can I just please use the washroom? Sure. Hello, V. Kartik said he really likes my new hairstyle. और मेरी ड्रेस पे कोक गिर गया था, उसने वो भी साफ किया। I think he still really likes me. अच्छा मैं क्या करूँ? Should I tell him or should I just play? Listen, Samira, I'm not your agony aunt. Please, यार, please don't call me. कितनी बार बोलूँ मैं तुम्हें? Okay, sorry. All okay? Yeah, all great. You need a better man. You know, he should feel that, wow, I'm lucky. I have Samira. Please, मुझे गलत मत लेना, मेरा कोई ulterior motive नहीं है यहाँ पे. I'm with Ananya. Kartik, मैं ऐसे सोच रही भी नहीं हूँ कि तुम्हारा कोई ulterior motive है. And I know, at least तुम मुझे झूठ नहीं बोलोगे. Of course not. I think there's somebody at the door. Yeah. Fuck, 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 fuck. Get up, get up, get up, get up, get up. What happened? I said get up. What happened? Get up, I'm done. Arre, what? Okay. I understand, Ananya. I can't know that you're here. Kartik, please. Samira,
here. Come in. Get in. No. I'm begging you, get in. Sameera, just get in. I'll take you out in 5 minutes. 5 minutes, promise? Yes, 5 minutes. Please. Get in. Promise? Movie tickets. Chalo, get ready fast. You had the keys, huh? Yeah. ये तो एक घंटे में है। हाँ, क्यों? Are you busy? Oh, नहीं। Great, I'll just change my shoes. One second. What are you? Are they in this closet? नहीं नहीं। What do you want? What do you want? If you remember those fawn color pumps, your favorite, and my fuck me pumps, I just can't find them. I ये flats हैं। Fuck me in these. Is everything okay? You seem a little worked up. Office. Chali, baby. Yeah. क्या कर रहे हो? Work. Veer, I said wait, I'm coming. Veer, open the door. Veer. Adil, what do you want? I asked you to leave me alone, yaar. मैं मीटिंग में था, ईशानवी ने कॉल कर करके परेशान कर दिया because your phone was switched off. अरे तो मैंने बोला था क्या मुझे adopt करो, हाँ? दरवाजा खोलो, or at least turn on your phone. No, please leave. मुझे पता था तू ऐसे नहीं मानेगा. रुक. Adil. Adil, wait, what do you think you're doing? ये है तेरे tantrums का the end. ये मैं तेरे दरवाजे के बाहर रखने वाला हूँ, फिर तेरे society office में जाके तेरे secretary से मिलके बोलूँगा. आपके यहाँ एक nymphomaniac रहता है. Stop, तेरा people look. Adil, क्या तू पीछे मुड़ के देखूँ, आंटी क्या सोच रही होंगी तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में. और सुनो, तुम मेरी नहीं, उसके साथ साथ अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो भाई? Because you are fucking ruining my life, Veer. How? मेरे बीवी को बच्चा होने वाला है और मुझे मालूम है उसके पैदा होते ही उससे भी तेरी पहरेदारे में लगा देगी. I have to do this for the sake of the sanity of my family. अच्छा wait, इतना melodramatic होने की ज़रूरत नहीं है. What do you want? Please, अपना phone on कर ले भाई. ये लो, कर दिया मैंने on phone, ठीक है? Now please, जो भी तुमने सामान बाहर फैला के रखा है, उसको उठा के अपने साथ ले जाओ, please. हाँ, on कर दिया phone मैंने, ठीक है? अब हो गया भरोसा. Remember, Veer, you're not alone. कहाँ पे यार? I'm in the middle of a big fuck up. आज समीरा मुझे घर पे मिलने आई थी और ऊपर से अनन्या भी आ गई. I had to go out with अनन्या और जल्दी जल्दी में मैंने समीरा को ना क्लोजेट में बंद कर दिया है. तो प्लीज घर जा और उसको वहां से बाहर निकाल ले. I've kept an extra key below the mat. Please, it'll be a huge favor. Go and get her. I've taken care of everything. Bye. बात कर ली है मैंने उससे. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. Adil, move. Adil, Adil, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में. She's not breathing. उसकी सांस नहीं चल रही है यार. She's gonna die. Is she dead? Veer, calm down. Who are you talking about? Are you hallucinating again? अरे मैं अलीना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समीरा की बात कर रहा हूँ. यार उसने मुझे कॉल किया था, पता है? I only disconnected a call. I should have told her not to get in there. F-
fuck is she going to die? Just tell me she's going to die. Veer, aram se. Just take a deep breath and tell me what has happened. Yaar, Sameera ko claustrophobia and that bastard of my fucking cousin. Usne usko apne closet mein chupa ke rakha hota yaar. Veer, listen to me. Just do not panic. Just check her pulse first. Her pulse? Chale. Haan. Pulse chal rahi hai, chal rahi hai, chal rahi hai. Zinda, zinda, zinda. I'll call you. Call me back? I mean, तुमको यही जगह मिली थी मरने के लिए. I'll just use the washroom. वीर, तुम? हाँ मैं. कार्तिक का. What कार्तिक? You fucking serious? अभी भी कार्तिक? तुम्हारी कोई asphyxiation fetish है क्या? कोई death wish है तुम्हारी तो मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हारा गला घोट के मार देता हूँ तुम्हें. तुम्हें claustrophobia है ना? Shouldn't you avoid places like that? कार्तिक locked भी है. अपनी गर्लफ्रेंड के साथ. तुम्हें एक नियर डेथ एक्सपीरियंस चाहिए था टू अंडरस्टैंड द बेसिक फैक्ट कि तुम्हारा एक्स एक एसोल है. तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्लोजेट में हूँ? 30 मिस्ड कॉल्स एंड 10 वॉइसमेल्स. खुद नहीं आ सकता था मुझे लेने के लिए ना? I mean, would it actually make a difference? अगर मेरी जगह वो आता यहाँ पे तो? Yes, it would have made a difference. You know why? Because he fucking owed it to me. Just fucking hate myself. You hate yourself? इतना सब कुछ होने के बाद भी you hate yourself? And what about Karthik, जिसने तुमको क्लोजेट में बंद किया? हाँ? उसको नहीं पता था कि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया. उसे पता नहीं था, इसलिए that's fine. किसी को क्लोजेट में बंद करना is fine. No, I'm not saying that is fine. But I did this to me. Exactly. Exactly. So stop hating yourself, blaming yourself. Wait. मैं चली जाऊंगी. नहीं, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ दूंगा. वीर, मैं चली जाऊंगी. नहीं समीरा, मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ूंगा प्लीज, क्योंकि मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है. पता नहीं क्या कर लो तुम अपने साथ. क्यों, ये तुम्हारा प्लान नहीं था टू गेट योरसेल्फ किल्ड टुडे? हाँ, आई डोंट ट्रस्ट यू एट ऑल. यहाँ से 8 सीढ़ी तक के बीच में अगर कार्तिक का फोन आएगा ना तुम्हें, और अगर वो तुमसे कहेगा okay, कि सुनो समीरा, एक बार बेबी, देयर यू गो, देयर ही कॉल्स. ओके लिसन, आई विल टेक यू आउट फॉर एन एक्सपेंसिव डिनर. व्हाट डिनर? आई एम ऑन अ डिटॉक्स. In fact, I'm on a guy detox. We all are. Come, we are not talking baby, to these people. What the what? Hell are these baby, people? Baby, what is a guy detox? I'm your husband. Sameera, please look after yourself, okay? Oh, hello. You were going to go back, right? These two bags are coming back. This is my house, Porno. This is my house. Okay, you can't decide alone. यार तो क्या करूं मैं? नेशन वाइड रेफरेंडम कराऊं कि अग्नि का घर कहां पर हो? ये पार्थ भी ना, जस्ट स्विच इट ऑफ. आर यू ओके? सुन, रिलेशनशिप में झगड़े होते रहते हैं, ठीक है? चुपचाप एक बुके ले ऊपर आ जा, अग्नि मान जाएगी यार. बट बेबी, यू टू हेट फ्लावर्स. हां बट अग्नि लव. एक सेकंड, कौन बोल रहा है? बेबी इट्स मी. बार्बी कुत्ते, मेरा नंबर किसने दिया तुझे? भाई, समीरा ऊपर है. डोंट गो. अरे, आई सेड डोंट गो कार्तिक. लुक, आई नीड टू अपोलोजाइज. आई वाज वेरी इनसेंसिटिव यार. पर मैं करता क्या हूं? अनन्या वहां पे आ गई यार. शी कुड हैव डाइड बिकॉज़ ऑफ यू. व्हाट? यस, बिकॉज़ वो कबर्ड में बंद थी. नहीं, क्योंकि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है. भाई, शी हैज दिस हैबिट ऑफ एग्जैजरेटिंग सिचुएशंस. मैं उसे 6 साल से जानता हूं यार. उसे नहीं है 1 साल से क्लॉस्ट्रोफोबिया. डिड यू नो दैट? देखिए, मेरे लिए भी आसान नहीं है. आई एम अ विक्टिम टू. अच्छा, देन व्हाई यू हियर? शी कुड हैव डाइड, शानवी. शी रियली कुड हैव डाइड. मैंने
मैंने उससे ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इंसान आज तक नहीं देखा. कैन यू बिलीव इट, कार्तिक के पीछे पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है. शी इज फॉरगॉटन हर इंडिविजुअलिटी एवरीथिंग. आई मीन कहां से आते हैं ऐसे लोग. आई एम नॉट लाइक दैट तेजांगी, कम ऑन. आई डिडंट से एनीथिंग. ओ प्लीज स्टॉप गिविंग मी योर लुक्स. आई डिडंट इवन ओपन माय माउथ. बट तुम मिलो उससे, पता है तुम मिलो, तुम्हें उससे मिलना चाहिए. शी रियली नीड्स हेल्प. आर यू सीरियस? ओ आई एम वेरी सीरियस. अब इससे ज्यादा सीरियस और क्या होगा आदमी यार. She really needs help, and as you said, you are the best in the city. So I think you must meet her. You must counsel her. अब तुम मुझे बताओ, इतनी basic चीज उसे समझ में नहीं आती है. किसी के साथ relationship में रहने का एक basic tenet क्या होता है? That दोनों लोग एक दूसरे के साथ equally involved हों, right? It can never be a one-way road, na? Well, I can't imagine that. Just in your case, you're in a relationship with a person who just does not exist. Stop getting at me all the time, यार शान. Anyway, मैंने अगले हफ्ते पार्टी रखी है अपने नए घर पे, उसको बुलाया मैंने, तो प्लीज तुम आ जाना, उससे बात करना है यार. तुमने अपने घर समीरा को बुलाया? मैंने कार्तिक को भी बुलाया है. एंड आई थिंक शी रियली नीड्स टू गेट ओवर दैट चूतिया कजिन ऑफ माइन. आई थिंक दैट समीरा चिक इज कुकुआ और तुम वीर को इनकरेज कर रही हो. आज 4 साल के बाद अलीना के बर्थडे पे वीर ने किसी और की बात की है. एटलीस्ट इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. मैम यार ये वीर अच्छा लड़का है ना. क्यों? क्योंकि वो पार्टी थ्रो करता है. इतनी विशालो नहीं हूँ मैं. Because वो ड्राई डे के दिन पार्टी थ्रो करता है. यार लेकिन he barely knows us. उसने हमें क्यों बुलाया? और समीरा में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है ये? क्यों चलती है पवन, क्यों घायल है मन, क्यों झूमे है तन बदन, ऐसे 2-4 सवाल और ऐड कर दे. सड़ू उदास, कभी तो खुश हो जाए कर. ड्राई डे के दिन कोई बंदा पार्टी दे रहा है, दारू पिला रहा है. भगवान का भेजा हुआ दूत है वो. उसे कुछ कहना तुझे पाप लगेगा, जलेगी नर्क की आग में मरेगी तू. अच्छा चल पीछे तैयार होने दे. अरे क्या मुझे नहीं होना कहते यार. Should I get you something more? No, I'm good, thank you. Samira, these are amazing. You will love. Hey, Pona. Fuck off and die. Good day. Let's get a drink. Excuse me. Samira और कार्तिक एक ही पार्टी में, और ऊपर से वो स्टूपिड गर्लफ्रेंड भी यहाँ पर है. मानवीर, सैम काफी वल्नरेबल है. Samira वल्नरेबल ही नहीं, सुसाइडल भी है. Yes, and the worst thing is she does not even know it. वो छोटी कार्तिक के लिए she has inside her system, whatever it is, she needs to get it out. And for that, she needs to face him. Fucking asshole. Samira, extra sodas, guy. One second, just watch your head. You good? I can have it. I'm sorry. What's wrong with you? No, nothing. तुमने इस पार्टी में कार्तिक को बुलाया? मुझे एक बार बताया भी नहीं. मुझे पहले पता होता ना, मैं बिल्कुल भी नहीं आती. उसे उतनी इंपॉर्टेंस देना छोड़ दो तुम, ठीक है? कल रात को जो हुआ उसके बाद भी ये कह रहे हो? कोई किसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे सिर्फ उससे क्लोजर चाहिए था. और फिर कल वीर, जस्ट फीलिंग वेरी ह्यूमिलिएटेड. प्लीज वीर, आई थिंक आई कांट डील विद इट, आई एम लीविंग. समीरा देखो, तुम्हारा डिसीजन है. अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा. But you need to accept this fact कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ कार्तिक responsible नहीं है, तुम भी हो. सिर्फ वो अकेले तुम्हें closure नहीं देगा, तुम्हारा खुद को closure देना जरूरी है. You need to tell yourself it's over. Hello young man, welcomes. आप मुझे मेरे घर में welcomes कर रहे हैं? हाँ तो क्या हुआ? As long as one of us has comes, it's a welcome. अच्छा एक मिनट, ठीक है please. आज अंग्रेजी
थोड़ी सी कंट्रोल करेंगे। अच्छा ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? बस मैं तो तेरी पार्टी सूंघते सूंघते यहाँ तक पहुँच गया। माँ ने भेजा है, सुना है तू पावर माँ की एनिवर्सरी स्किप कर रहा है। तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वीर की फ्रेंड हो? मतलब वो स्पेशल वाली फ्रेंड हो? डोंट वरी, यू कैन टेल एवरीथिंग टू मामा जी। मामा जी प्लीज काम डाउन। कौन है? कोई नहीं है। हाँ तो मुझे दिख क्यों रही है? मामा को मामा ना बना, पता क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा है मामा जी। कुछ नहीं हो रहा है? नहीं। तेरी हमारी फैमिली में एक नया रोमांस शुरू होने वाला है। ये मामा जी यार माइक दे। अरे कैसा है तू? क्या कर रहे हैं? एक मिनट, मामा जी सॉरी। मामा जी डोंट वरी छोड़ छोड़ रहने दे। हेलो हेलो माइक चेक 1 2 22। क्या कर रहे हैं? एक मिनट यार। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे वो जो ऑरेंजिश रेड डिश गुलाबी गाउन में है, क्या कर रहे हो यार? नो गाली। अब तुसी ना जाओ, जाने की कोशिश मत करना, इससे भागना बेकार है। इसका नाम क्या है? इसका नाम समीरा है। उसका नाम समीरा है? हाँ। वीर ते समीरा, समीरा ते वीर। इस फैमिली में एक नया रोमांस शुरू हो रहा है एंड यू वांटेड टू हाइड इट फ्रॉम योर अंकल। अरे इससे तो मुझे अपनी कहानी याद आती है जिसका शीर्षक है हाउ आई मीट्स योर मामी। #LOL #ROFL #प्लीज गेट डाउन मामा जी। अरे समीरा मामा जी नोज ऑल। तुसी आ जाओ। मामा जी क्या कर रहे हो? यार एंबैरेसिंग है। ओ यार एंबैरेस का दूसरा मतलब एम्ब्रेस भी तो होता है। नहीं वो नहीं होता। होता है। आर यू ओके? आप मुझे माइक। आई एम सॉरी मामा जी। यस एक समीरा यू कम। क्या कर रहे हो? आई एम रियली सॉरी। मैं घबरा गया था मैं, बट यू नो मी आई डोंट डू एनीथिंग इंटेंशनल। नहीं वार्डरोब में किसी को बंद करके छोड़ देना सही इंटेंशन। यार वो सब गड़बड़ हो गया ना। आई नो आई इनवाइटेड यू एंड इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी, बट देन सडनली अनन्या केम एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू एंड आई डिड व्हाट यू वाज। गलती हो गई यार। लुक आई कांट फॉरगिव मायसेल्फ। तो एक बार अगर तुम बोल दोगी तो इतना भी चलेगा। कुछ पियोगी? Mojito with extra mint. I'll make it just the way I used to make it. आप मुझे माइक दो। नहीं मैं माइक तो ना ले मुझसे यार। यहाँ पे सब देख रहे हैं। बेइज्जती मत करो। Nice. हाँ, yeah. Just like old times. Samira, can I ask you something? something personal? Yeah. We both moved on. Right. Right. So, are you really seeing Veer? तुम्हें problem है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं यार, माइक को क्यों तू ले रहा है यार? मुझे तो गाना भी गाना है इसके बाद यार। बाद में गाना। English गाना गाऊंगा मैं। Cheers. Yeah, that's what I'm. Congrats, Samira. I am so happy for you. पता है मैं हमेशा से कार्तिक को ये कहती थी that you and Veer are perfect for each other. हमने डिस्कस भी किया था ना, याद है? And Kartik being Kartik, पता है क्या कहता है? Samira and Veer, just not possible. नहीं यार तू छोड़ यार। क्या करते हैं यहाँ पे यार? अरे यार तू समझा कर मुझे बड़ी बात। इसीलिए मैं बोलती हूँ always trust my gut feeling. Samira. Sam, I am extremely sorry. You know what? हमारे मामा जी जो हैं वो थोड़े एंथू कटलेट हैं तो उनको हैंडल करना पड़ता है। मैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो है मैं उसको क्लियर कर। कार्तिक, just hold please one second. Excuse me.
वही मिसअंडरस्टैंडिंग की और नहीं करना चाह रही अभी व्हाट थोड़ा टाइम आर यू सीरियस तुम अभी अभी नॉर्मल हुई थी यू जस्ट गॉट योर सेल्फ रिस्पेक्ट बैक और एक बार आके उसने तुमसे प्यार से क्या बात कर ली ही वाज जेलस एंड इट फेल्ट रियली गुड ओके मैं सिर्फ एक बार ये जानना चाहती हूँ डिड ही एवर ट्रूली फील एनीथिंग फॉर मी या राइट आई बिलीव यू तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं इतना सब होने के बाद उसके पास वापस जाऊंगी अच्छा क्या है तुम्हारा पीवे बताना कल के इंसिडेंट की वजह से तुम्हारे ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कट हो चुका है हां तो मैं कह रहा था कि तुम्हारी मम्मी जो है ना वो मेरी तरह नहीं है उसको तो ए बी सी डी 100 का गॉड डैम पार्टी नॉट अ फकिंग लुनेटिक असाइल यू नो आई कुड टेल ही वाज डेस्परेट ये पिछले एक साल में मैंने जब भी उससे बात की आई ऑलवेज फेल्ट ह्यूमिलिएटेड दिस द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन तुम चाहती क्या हो समीरा व्हाट डू यू वांट अरे बी अ स्पोर्ट्स किस हर स्टॉप इट मामा जी गो फॉर इट गो 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 क्या बकवास कर रहे हैं आप अरे किस हर यार तू आपका रोज का यही हाल है छोड़िए इसको अरे यार वो अरे क्या मामा जी छोड़िए इसको अरे बट अरे हर पार्टी में यही करते हैं 50 साल के हो गए लेकिन 15 साल की बच्ची की तरह बिहेव करते हैं अरे मैं 50 का कब हो गया यार मैं 50 का नीचे बैठिए आस्ते बात कर यार बैठिए नीचे यार तू भी ना यार अरे कितना अनकंफर्टेबल कर दिया आपने सब हाँ ठीक है मैं बैठ जाता हूँ चल यार ड्रिंक ला ये कार्तिक इतना ओवर या क्यों कर रहा है पता नहीं यार मुझे तो इसे देखते हमारी हो जाती है हरामी पर हैंग ऑन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था वीर और समीरा ऑफिशियल कब से हुए इट्स कॉल्ड प्रिटेंड डेटिंग यार राइट अब तुम वीर को प्रिटेंड डेट करोगे बिकॉज ही इंटरेस्टेड इन कार्तिक Really? Is this what? New form of cheating? No. It's... closure. Adil, सुन. Alina के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार वीर किसी लड़की से सीरियस हुआ है. क्या लगता है? मामा जी, आप इतना जो शोर शराबा कर रहे हो ना, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा. केड़ा शोर शराबा यार, मैं तो इसे पूछ रहा हूँ. समीरा, हम सबको बताओ ना तुम दोनों सबसे पहले मिले कैसे एक्चुअली द फर्स्ट टाइम वी मेट समीरा वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स शी वाज वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल ड्रेस मामा जी समथिंग लाइक पॉर्नोज ड्रेस एंड गेस व्हाट मामा जी पहली ही बार मिलते आई सेव्ड हर लाइफ हाँ एक गाड़ी आई एंड आई समहाउ मैनेज्ड टू सेव हर लाइफ एंड देन आई गॉट इनटू अ फिस्ट फाइट और जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ शी इज गॉन उस रात वो तुम थे यू सेव मी और कल रात भी तुम्हें मैंने ही सेव किया थैंक यू और तब भी मैं ही था जब तुम्हारी हील टूटी थी ज्यादा हो रहा यू नो व्हाट समीर I've had the misfortune of having the front row seat and watch you destroy yourself. So now I've decided that I'm going to take matters in my own hands. The first thing I did was wake up and go run and see her beautiful face. Because you needed me. I was missing you. Bas, that's when we knew that we were meant for each other. You! यार क्या कहानी है? माँ और पापा की एनिवर्सरी पे आ रही हो ना समीरा? अरे क्या? तुम सब भी आओ यार. और माँ और पापा तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे मामा जी बहुत नया रिलेशनशिप है आई एम श्योर भाई वुड नॉट एग्री विद दिस नहीं नहीं समीर आएगी हाँ आएगी तू तो बीच में बोलता है देखा आएगी आएगी आओगी ना तुम सब आओगे ये हुई ना बात मजा आएगा फ्री हो ना तो चुपचाप आ जाना ठीक है स्माइल देखो देखो इन दोनों को देखो अरे मामा जी देखो लाल हो गए अरे मामा जी आप मैंने बहुत ज्यादा दारू मंगा ली थी आई विल सी यू डाउनस्टेयर्स श्योर या बाय गाइस
Bye. See you. Thanks for coming. Samira, Ananya and I are going back. Come, we'll drop you. Karthik, she's actually helping me clean up here. So, अगर बहुत देर हो जाए तो फिर तुम आज यहीं रुक जाना। Okay, dumpling. See you, bhai. Bye, see you, bhai. Thank you so much. Thanks for coming. Are you for real? No, tell me. Are you serious? Yes. Okay, dumpling. ये कौन बोलता है यार? Stupid. छोड़ो ये सब. मैं तुम्हें drop कर देता हूँ घर पे. वीर, कितने दिन से नहीं सोए? Come on. How does that matter? और एक बात कहूँ तुमसे, when you're not trying to kill yourself ना, तो पूरी की पूरी cartoon network हो. Okay, dumpling. It's so ridiculous. जाओ जाकर सो जाओ, मैं कर लूँगी. Then I'll take it over. Are you sure, dumpling? Yes, dumpling. There she is. Hi. Hi. I'll take it. Thanks. Come. Ananya kal pahunchegi. I mean, she wanted to come with us, but she had some work. Chalo, now that we know his couple status, hum chale. Sam, tum piche ho na? Aage na car sickness hoga tumhe. You know, in fact, I think car sickness piche baith ke zyada hogi. To tum aage baitho mere saath. No, then I'll drive. Nahi. तुम उस साइड से आके वहां बैठो. कम सिट. भाई, आर यू श्योर? एब्सोल्युटली. फिर तुम्हारा फोन बज रहा है. या आई कैन हियर इट. तुम प्लीज सीट बेल्ट पहनोगी? ये लो बाबा, पहन ली. कार्तिक, तुम्हारा भी फोन बज रहा है. हाँ भाई, क्या करूं? भाई साइलेंट पे डाल देना फोन. डाल दिया. इमेजिन, पूरा रोड ट्रिप उनके साथ. किसके साथ? मामा जी. मामा जी? He's so sweet. Very sweet. तुम्हें पता है वो एक टाइम पे मेरे रोल मॉडल थे. तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं. I turned 15. And? समीरा, जिंदगी में ना बहुत सी ऐसी चीजें होती है, mainly relationships which after a point don't work. I guess. तुमने बताया नहीं तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है. क्यों? तो didn't? कोई सर्वे कर रहा है? उसकी मर्जी, उसको बताना ही नहीं बताना है. बड़ा इनक्विजिटिव हो रहा है. ओ दिल, धड़कने दो. पॉर्नो? क्या यार, कब जाएगी यहाँ से? देख, तुझे अगर और रहना ना यहाँ पर, पे द बिल्स, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ. सो जा, ज़्यादा अच्छी लगती है, तेरी चुड़ैल हो जाती है. पॉर्नो, उठना उठना, प्लीज प्लीज सुनना. क्या है? सुनना क्या है? कार्तिक के मामा जी है ना. हाँ, तो मैंने उन्हें टिंडर पर डाला था. लेफ्ट स्वाइप कर दे यार, बिग डील. नो 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 नो, इट्स नॉट दैट, इट्स द वे द ऐप थिंक्स. मतलब मुझे मामा जी टाइप के लड़के मिलेंगे क्या आप? ओके, सी, दैट्स व्हाई मैं समझा रही हूँ तुझे. चली जा पार्क के पास वापस, वो तुझसे बहुत प्यार करता है. रोज तुझे लेने आ जाता है तेरे पीछे पीछे यहाँ पर.
वो लेने आया तुझे? आके दरवाजा खोल। पता पढ़ो, मेरी लाइफ में ना कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। तू दरवाजा खोलेगी ना, यू कैन चेंज द पर्सन हु स्टैंडिंग देयर। मैं दरवाजा खोलूंगी ना, इट विल ऑलवेज बी द स्टूपिड पार्ट। सरप्राइजेस। नमस्ते मामा जी। Are you still interested in her? भैया मुझे एक ये वाला दीजिए। तू बता, तेरा क्या सीन है? You are the one taking her to the big family function. मैंने 5 साल डेट किया है समीरा को, and there's a reason that मैं उसको ऐसे कभी घर नहीं ले गया। वो एक्सपेक्ट करने लगती है यार। 5 साल बाद किसी के साथ रह के इंसान एक्सपेक्ट नहीं करेगा तो कब करेगा? गलत है। Don't hurt her. You don't worry about that. But at the moment, ऐसा लग रहा है that you're hurting. Are you okay? And you're sure कि अब वो मुझे jealous करने के लिए तेरे साथ ये सब pretend नहीं कर रही? I तो don't think so. लेकिन फिर भी अगर ऐसा है भी, doesn't make a difference because I like her. तू समझ नहीं रहा यार। तू उसे घर लेके जा रहा है, उसके साथ कुछ दिन रहने वाला है। और इमेजिन कर अगर मैं हमेशा उसके साथ रहूं तो, आई मीन जस्ट लुक एट हर यार, उसमें कुछ तो बात है, नहीं? एनीवे, आई एम रियली सॉरी, यू नो, मैं भूल गया, तो ऐसे नहीं सोचता, आई कंप्लीटली फॉरगॉट मैन। चले चलो बेबी, थक गए होगे ना। कार्तिक, व्हाई डोंट यू ड्राइव? हां तू आराम करना, आई विल ड्राइव। आर यू श्योर? या आई एम श्योर। कम। समीरा, आई जस्ट, क्या बोला कार्तिक ने? उसे लगता है कि तुम ये सब उसे जेलस करने के लिए कर रहे हो। तुमने उसे क्यों कहा ड्राइव करने के लिए? दैट वाज अ शो गिव अवे। मैं ना भावनाओं में बह गई। भावनाओं में बहना एक्सीडेंट होता है। तुम तो भावनाओं में स्विमिंग करती हो, बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्रीस्टाइल। तुम दोनों फ्रंट सीट और बैक सीट पे बैठ के एक दूसरे को मैसेज कर रहे हो। यू आर डूइंग दैट। Fuck! I'm sorry. Get out! I didn't see it. I'm sorry. I'm really Get sorry. Get out! एक छोटी सी चीज होती है सीट बेल्ट, वो तक याद नहीं रहती है तुम्हें? फिर हम अभी तो बैठे थे। तुमने थोड़ी देर पहले भी नहीं पहना था समीरा, and I saw that. Calm down. We're okay. Are you an idiot? Do you know क्या हो सकता था अभी? तुम्हारी एक छोटी सी गलती होती और मैं पूरी जिंदगी खुद को ब्लेम करता। बे उसी पर ना। ओके आई एम वेरी वेरी नाउ। वीर आई एम सॉरी। वीर, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ओह ओके फैंटास्टिक, नाउ शट मी आउट। नाउ आई डोंट एग्जिस्ट। वीर यू मीन। अग्नि, भाई मैं लड़कियों को गार्ड कर रहा था। हाँ, एकदम शिकारी कुत्ते की तरह ऊपर है। तो बाहर रात सो रहे थे। ये चुप झूठे, तू ऊपर चेक करना। चेक किया, घर पर कोई नहीं है। श्योर? नहीं श्योर नहीं है। अबे लड़की है वो, चुईया नहीं जो जाके कोने में छिप जाएगी और दिखाई नहीं देगी। श्योर हो क्या? एक मोटा सा आदमी आए थे मामा जी करके, मैडम लोग उनके साथ चले गए बाहर। मामा जी कौन है? मामा जी रे, चल। ए रुकना, मैं जाके देखता हूँ।
स्टॉप हॉन्किंग एंड प्लीज जाके देख लो। अंकल पूरा इंजन जाम होगा तुम्हारा, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। बोला था ना मैंने ये गाड़ी रास्ते में खराब पड़ जाएगी, पर मेरी सुनता कौन है यहाँ पे? मैंने भी बोला था कि तबीयत खराब है तुम्हारी, लेकिन सुनता कौन है? इतना लंबा चौड़ा प्लान बना दिया, अगर बीमार पड़ गई तो तब क्या होगा? अरे मर्जी है मेरी, सालगिरह है हमारी जो हर एक साल आती है। और मैडम हम कोई 20 साल के नौजवान नहीं है जो प्यार मोहब्बत में पागल हो जाए। वैसे भी 20 साल की उम्र में कौन सा पागलपन दिखा दिया था आपने? हाँ कुछ तो होता नहीं आपसे। अरे मैं कोई शम्मी कपूर हूँ क्या? मजाक कर रहे हो यार। हो गया तसल्ली या और भी एक्साइटमेंट चाहिए? भाई क्या हो गया यहाँ पे? पता नहीं कोई अंकल आंटी झगड़ा कर रहे हैं। तुम ना मुझे पब्लिक प्लेस में असली हरकत करने के लिए अरेस्ट करवा के रहोगे बस। अरे अंकल आंटी आप लोगों को सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट है, आप लगे रहिए कुछ भी करिए क्या? अरे आप इसमें लगे रहो भाई, मेरे हर बात का मजाक उड़ाते हैं। ओके सर बना के रखा है आपने यहाँ पे। अरे वीर कार्तिक अच्छा हुआ तुम लोग आगे, देखो ना ये पा बिल्कुल सुनते नहीं है, हमेशा बिगड़ जाती है रास्ते में। एक ही बार बिगड़ी है कार है यार, अरे हमेशा हमेशा परेशान करते रहोगे आपको। क्या हो गया बेटा? अपने पास से पूछ लो बेटा। बेटा कैसा है? क्या हो गया? जो सवाल है ना क्या हो गया, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सवाल। पिछले 50 साल से मैं अपने आप से तुम्हारे अम्मा से पूछता आ रहा हूं, लेकिन कभी कोई मतलब ही नहीं है। पा गाड़ी में बैठ के भाई तबीयत ठीक नहीं है इसकी, बड़े तबीयत ठीक नहीं है और पार्टी की तैयारी में ऐसी लगी हुई है कि पूछो। हां तो एक काम करते हैं ना, पार्टी कैंसिल कर देते हैं। अरे हाँ पार्टी कैंसिल कर दो ना। अब ये क्या नया शुरू कर दी? कर देते कैंसिल पार्टी। क्या पाप हमेशा ऐसा करते हैं? सीरियसली पाप आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से माना नहीं चाह रहे थे पता है आपको? पर मैंने क्या किया भाई? अरे रुला दिया ना अम्मा को आपने। आप हर किसी की दिल की बात यूं मजाक में उड़ा देते हैं। सीरियसली पा यू आर वेरी इनसेंसिटिव। अरे ये क्या बदतमीजी है, अपने पास ऐसे कैसे बातें कर रहे हो? हम एक तो तुम लोग इतने सालों बाद आए हो और अपने पास से झगड़ रहे हो। अरे समीरा कैसे हो बेटा? कितनी सुंदर दिखती हो आंटी मैं। अरे दूर दूर से लोग तुम्हें तो मिलने आ रहे हैं। बेटा एक एक सेल्फी ले ले, आओ ना देखो ना यहाँ देखो। माँ हाँ आप इसको कैसे जानते हो? अरे जब से गुंजन मामा ने उसकी तस्वीर भेजी है और तुम्हारे और वीर के बारे में बताया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की घंटी बजनी कहाँ बंद हुई है। गुंजन मामा ने फोटो भेजी है? हाँ। अरे कार्तिक बेटा तू वो अम्मा के कंगन साथ लाया है ना? तेरे और मेरे हाथ का साइज तो सेम ही है। अम्मा अभी अभी मिले दोनों। हाँ तू तो बोले मत भाई है, तेरी भी तो गर्लफ्रेंड थी 5 साल से, एक बार भी मिलाया तक नहीं, नाम तक नहीं पता। अब एक बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसमें टांग बता। करेक्ट। चलिए चलते हैं चलते हैं, देर हो रही है, चलो चलो चलो। हाँ चलो 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 मेरे साथ आ जाओ, इधर इधर चलो। माय रूम कीज। अपेरेंटली मेरे अम्मा और पापा बिल्कुल नैरो माइंडेड नहीं है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हमें कमरा शेयर करें तो। आई थिंक इट्स ओके। आई नो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई नो ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है बट दिस इज हाउ इट इज, वी विल हैव टू शेयर द रूम। कार्तिक को ये बात बताई तुमने? तुम कितनी अजीब हो, तुम्हें खुद पर्सनली बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा कि तुम एक अनजान लड़के के साथ एक अनजान जगह? अनजान और लड़का? I don't really see you as a man. Excuse me? And yeah, I think I'll be comfortable. Yeah, that's better. क्या भेजा ये अम्मा और पापा ने? Such a lovely card. There's a retro night. Yeah, that's the theme. You know, Amma and Pa, they're so strangely cute, yaar. पिछले 50 साल से एक दूसरे से सिर्फ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं. They just love fighting with each other. But you know what? ये आपस में एक दूसरे को कुछ भी बोल लें, कुछ भी कह लें, पर इन दोनों के बीच में कोई तीसरा आके कुछ भी कह दे ना किसी एक को, तो वो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता. They just immediately become a team. और ये दोनों मिलके फिर उस बंदे से लड़ते हैं. How cute. And you know, ये चीज़ अलीना ने क्रैक किया. जब भी उन दोनों के बीच में लड़ाई होती तो वो इमीडिएटली किसी एक का साइड लेती और वहीं झगड़ा खत्म. देख प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, अलीना की डेथ तुम्हारी गलती नहीं है, इट वाज एन एक्सीडेंट. तुम्हारा कंफर्ट लेवल कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गया? कंफर्ट लेवल ज्यादा बढ़ा है या नहीं पता नहीं, कंफर्ट लेवल तो है. ओके दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट. वीर
What you're doing is escapism. पिछले चार साल की थेरेपी में बहुत कुछ सुन चुका हूँ, मुझे तुमसे कुछ नया सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो I think we should let that be. तुम अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ पे. नीर, ट्राई भी नहीं करोगे? नहीं. Samira, what are you doing? What am I doing? Give it back. Okay. प्रेजेंट सर, भाभी घर पे है क्या? भाभी, समीरा भाभी. स्टॉप इट विद द लेम जोक्स. देख बेटा, अपनी लाइफ का जो खालीपन है ना, वो दूसरों की जिंदगी के गुलजार से नहीं भर सकते. देख क्या कमाल की लाइन बोली है मैंने. तेरी भी तो गर्लफ्रेंड है ना, तो फिर वो कहाँ है? आज आज शाम को आ रही है. ठीक है फिर. हमारे कमरे कहाँ है? पापा सो कूल ना, हम भी बड़े होके उनके जैसे बनेंगे. या यू मीन बूढ़े होकर? अरे व्हाट डू यू मीन, ये उनका सेकंड हनीमून है, उनका हैप्पीली एवर आफ्टर. आई कांट वेट टू ग्रो ओल्ड विद यू वीर, दिस इज माय अल्टीमेट फैंटेसी. यू नो अलीना, आई प्रॉमिस यू मैं अपने वर्किंग आवर्स कम कर दूंगा ताकि तुम्हें बुढ़ापे के बारे में फैंटेसाइज ना करना. या आई एम सीरियस, मतलब बुढ़ापा ऑलरेडी. या वीर, बुढ़ापा ऑलरेडी. या लुक एट यू. You know, your sister wanted to grow old with me. I kind of murdered that dream of hers. Of course she wanted to grow old with you. She loved you a lot. I don't understand why do you keep on torturing yourself. You did not murder her. It was an accident. And please understand accident. That. By the way, torture se mujhe yaad aaya ki ye hotel mujhe torture kar raha hai. Mujhe aur Adil ko twin beds diye hain aur tumhe double bed wala kamra de diya. Yeah, that's because Samira bhi mere saath kamre mein hai. Are you sleeping with her? Vishanvi, come on. Why are you such a one-track mind? I'm just trying to help her out. ये कैसी help होती है? Let's sleep together and help each other. By the way, अम्मा समीरा को गंगन देना चाहती हैं. I'm not sleeping with her. And for the record, she does not even consider me a man. ये बोला है उसने मुझे. Oh, तुम्हें बुरा लगा? हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा है शानवी, seriously. तुम्हें काम क्यों नहीं करती? किसी और का दिमाग क्यों नहीं खाती जाके? किसका खाऊं? अपने पति का दिमाग खाओ यार. Where's your husband? I don't know. Okay, wait. आदिल, तुम्हें पता है तुम्हारी बीबी को ओल्ड मंक से तकलीफ क्या है? रात को दो टिका दो ना, तो किसी साइकाइट्रिस्ट स्टेशन की जरूरत ही नहीं है. Take a right from there and keep coming straight. You reach here. आप चिट-चिट करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, पता है? हनीमून पे जाएंगे, मुझे पसंद नहीं. जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है. समीरा बेटा, आओ इधर, आओ आओ मेरे पास बैठो. आ जाओ
अच्छा बेटा जो ये बता तू वीर से कैसे मिली? हाँ। अम्मा समीरा मेरी दोस्त थी, पहले मैं उसे जानता था और मेरी वजह से वीर से मिली। अरे अम्मा क्या आप इससे डिटेक्टिव की तरह सवाल जवाब कर रहे हो? अरे कोई डिटेक्टिव डिटेक्टिव नहीं, चल तू भी आजा बैठ। नहीं मैं नहीं बैठा, मुझे जाना है, मुझे बात करनी है। अरे अच्छा हां भाई ऑल द वेल। क्या देखो आई गेट इट कि तुम्हें कार्तिक को जेलस फील कराना है या बाकी तुम्हें कुछ क्लोजर चाहिए, लेकिन तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा कि इन सबको लग रहा है कि हमारे बीच में जो कुछ भी है वो सच है? पर मैंने क्या किया? तुम्हारे अम्मा और पाप बहुत स्वीट है, मैं तो सिर्फ उनके साथ बैठी थी। यस आई सॉ दैट, इसलिए कह रहा हूँ कि इतना कन्विंसिंगली मत प्ले करो, आगे चल के अम्मा और पाप को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर तुम मुझे यहाँ लाए थे। यस आई नो आई रिग्रेट इट, आई मेड अ मिस्टेक, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें नहीं लाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अब क्या करूँ मैं? उनसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कार्तिक आ रहा है यहाँ पे, सो डोंट टर्न। आई गेस यू फाइनली गॉट व्हाट यू वांटेड। Sam, beer? Yeah. I'll get some wine. Sam, all okay? Yeah. Sam? तू कार्तिक के साथ थी ना? हाँ। तो फिर कुछ नहीं, इधर उधर की बात हुई। यार तेरे पास चांस था, कुछ किया नहीं? तू कभी तो कुछ सेंसिबल बात कर लिया कर यार। उसकी गर्लफ्रेंड पहुंचने वाली है, मुझे यहाँ पर सीन नहीं बनाना यार। ड्राइंग क्लासेस ले लेने चाहिए थे। डोंट बी सो हैप्पी टू सी ये सिम्टम है कि तुम वापस रिलैप्स करो। वीर क्यों करते हो अपने साथ ऐसा? आई डोंट केयर अगर मुझे वो पागल समझे, मैं तुम्हें देख पाऊं, तुमसे बात कर पाऊं। लोगों का तो पता नहीं, बट दिस मेक्स यू सर्टिफाइड क्रेज। I was not that bad though. So, how is it going? Wow, I love this place, Karthik. It's beautiful. And I missed you so much here. Okay. हम आज सुबह भी लेते हैं ब्रेकफास्ट पे। I'm not lying. I did. I really did. Okay. Come. मैं दादी से मिलवाता हूँ। किसी ने वीर को देखा है? वो चला गया है वाइन लेने। मैं देख कर आती हूँ।
वीर, वहां पर सब तुम्हारी वेट कर रहे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दरवाजा दरवाजा समीरा, दरवाजा पकड़ो ना, बंद हो जाएगा समीरा। यार व्हाट आर यू डेफ, तुम मेरी कोई बात सुनते क्यों नहीं हो यार? इतना क्या हुआ वीर, तुम सुबह से मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? दरवाजा ही तो बंद हुआ है, अभी खोल देती हूँ। यार प्लीज ट्राई। सुनो, हेलो, आओ बैठ जाओ चुपचाप। ये दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है, अब जब तक कोई बाहर से इसे खोलेगा नहीं ना, हम अंदर ही हैं। यस कम। वीर वीर, नो 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 नो, व्हाट आर यू डूइंग, स्टॉप इट। समीरा हेल्प, इट इज समबडी आउटसाइड। समीरा कुछ नहीं हुआ है। Nothing's happening. कोई ना कोई आ जाएगा अभी थोड़ी देर में दरवाजा खोलने के लिए। प्लीज calm down. Look, कुछ नहीं होगा. Someone will come and open the door. Please. Fuck. अरे ये मेरे साथ ही क्यों होता है? तुम पागल हो क्या समीरा? I will get you out. I promise you I'll get you out. I can't have another death on my hands. Please understand from my point of view. Please. अच्छा रुको, just look. Don't look there. Just look at me. कहीं मत देखो, इधर उधर कहीं नहीं देखो. No, don't look there. Don't look anywhere. दरवाजे की तरफ नहीं, दीवार की तरफ नहीं, जस्ट मेरी तरफ देखो, जस्ट लुक इन माय आईज, जस्ट फोकस। कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन टू यू, ठीक है? नथिंग कैन हैपन टू यू, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा समझे? मामा जी क्या वाइन खत्म? ठीक से डाल यार। एक खत्म। वीर वाइन लाने गया है। ओ पता नहीं वाइन लाने गया या पीने। कितनी देर से वेट कर रहे हैं, कोई आया ही नहीं, सब ड्रिंक कर रहे थे, कोई हमें मिस नहीं कर रहा होगा। तो ठीक है, हम भी उन्हें मिस नहीं करेंगे। वन सेक, आई हैव अ सरप्राइज। हम भी यहीं बैठ के सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ यार, यहाँ वैसे पेरिस आइडियल होता, लेकिन अब जो है सो है। लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट वी हैव। इस पे ये रिबन क्यों है? ये अलीना लगाया करती थी। वो येलो वाले छोटे मोटे ओकेशंस के लिए, ये ब्लू वाले जब हम दोनों ने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल की तब। मुझे नहीं पता था मेरे एंजाइटी अटैक को डिफीट करना इतनी बड़ी जीत है। मेरे लिए तो है। You can't die, Samira. You know, I really wish कि तुम हमेशा खुश रहो, सबसे ज्यादा खुश। पर्पल रिबन वाली बॉटल्स है वो किस लिए? वो बॉटल्स नहीं है, वो बॉटल है, सिर्फ एक ही। अलीना कहती थी कि जिंदगी में जब एक दिन ऐसा हो, कुछ बहुत ही बड़ा लाइफ चेंजिंग इवेंट हो, जब मैं इतना खुश हूं कि अपनी खुशी को कंटेन ना कर पाऊं, तब वो बॉटल हम दोनों शेयर करेंगे। पर वो वाइन वहीं पड़ी रहेगी हमेशा। ब्लू आपने समीरा को कहीं देखा? हाँ, वीर
फिर वाइन लेने गया है और समीरा उसको हाँ रहने दे तू रुकना यार थोड़ा टाइम तो दे उनको समझा कर यार व्हाट इज योर प्रॉब्लम आ जा ले कर दे सिट सिट हार्दिक वाइन आ रही है नहीं मानेगा ये वो देख रही हो वो ड्राइंग वो अलीना ने बनाई थी आफ्टर आवर फर्स्ट किस In fact, हमारी फर्स्ट किस यही हुई थी सामने राइट हियर आई गेस वी वर 15 यू नो तुम्हें यहां डर लगता है क्योंकि ये जगह बंद है मुझे यहां डर इसलिए लगता है क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था यू नो कभी कभी मैं सोचता हूं कि कैसा होता अगर हम ना मिले होते हम ना मिले होते तो प्यार नहीं होता तो शादी नहीं होती तो उस रात को वो एक्सीडेंट नहीं होता पता है वीर इट वाज ओनली एन एक्सीडेंट या लीगली स्पीकिंग यस इट वाज एन एक्सीडेंट बट फॉर मी इट वाज मच मोर देन एन एक्सीडेंट पता है समीरा मैं उस वक्त इतने गुस्से में था आई वाज सो अपसेट आई वाज सो पिस्ड ऑफ मैं उसकी कोई बात नहीं सुन I was not listening to her at all, jaan ke. And to get my attention, usne seatbelt nikala because she knew that would really piss me off. Main seatbelt dobara lagane gaya. The moment I went to put back the seatbelt for her safety, और मुझे पूछना था कि तुमने अपनी एंजाइटी को कैसे हैंडल किया आई मीन इट्स ऑल इन द माइंड बट एकेडमिक क्यूरियोसिटी दीदी ये कंपनी की बात है वीर था ना साथ में सब अच्छा हो गया यू नो दीदी मुझे लगता है तुम्हें चश्मे की जरूरत है क्योंकि उम्र में तो तुम मुझसे ज्यादा बड़ी लगती मैं जी हाँ कैसी बात कर रही है एक तो आप माँ है और माँ से बड़ा तो कोई भी नहीं होता हाय गाइस हाय हाय इफ यू आर अनकंफर्टेबल तो तुम और नानी आई की कमरे में सो सकते हो आर यू रियली सीरियस मतलब तुम पागल हो क्या तुम चाहते हो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारी करंट गर्लफ्रेंड के साथ कमरा शेयर करे कार्तिक आई थिंक आई एम गोना स्लीप हियर I'm fine. No, she's fine. She's just fine. She said it. She's good. I think you know what? I think you guys must go. Yes, yes, we should yes, go. Yes, please. Let's go. She's fine. You'll take I'll care? Look after her. Please. The door's that way. Come, Didi. Come. Didi ki bachchi tere. Samira, I just, you know, wanted to... जो भी नीचे सेलर में ऑफ कोर्स वी आर एडल्ट्स राइट या दैट वी आर बट यू नो फिर भी आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में कोई भी तरह की ऑकवर्डनेस हो आई थिंक वी शुड जस्ट ड्रॉप द टॉपिक यस यस वी मस्ट ड्रॉप द टॉपिक सो सोफा आई लाइक द बेड थैंक्स You will take the bed. I'll take the sofa. Perfect. Good night. यार मुझे तो एकदम strong वाली feeling आ रही है dude. ये strong feeling ना तुझे Sam और Kartik के time पे भी आई थी. So it's not something new. Yeah, but this is Sam's one chance at true love. And you know Linda Goodman ने भी बोला इस बार that Aquarius and Pisces are going to hook up.
अग्नि आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि तू सिर्फ स्ट्यूपिड है या फिर तेरा पूरा का पूरा ऊपर का माला खाली है. ट्रू लव यार, समीरा को बार बार नहीं हो रहा ट्रू लव. हाँ तो किसने कहा ट्रू लव एक ही बार हो सकता है. यू नो दिस इज ट्रू लव वर्जन 2.0. वीर एंड सैम दे आर मेड फॉर ईच अदर एंड एवरीवन गेट्स अ सेकंड चांस. रूम फॉर टूज. हेलो एक्सेप्ट मी. ठीक है यार, मैनेज कर लेना. वैसे ये भी इंटरेस्टिंग से इतना बुरा भी नहीं. कार्तिक का भाई था. ये सब प्रिटेंड प्ले है. वीर और मैं साथ नहीं है ये याद रखना जरूरी था. पता नहीं जो हो रहा था इतना गलत था लेकिन कितना सही भी लग रहा था. आई फेल्ट लाइक आई बिलोंग्ड. भाई नाश्ता साथ करते हैं. नाश्ता मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है. खाना या गाइस हैव फन. ट्राई द पैनकेक्स. हे गुड मॉर्निंग. अच्छा ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड इन द गार्डन. तुम जब जाना चाहो जा सकती हो. एक चीज और मुझे कहनी थी तुमसे. समीरा मेरे बहुत रिलेटिव्स होंगे नीचे एंड आई नो देम रियली वेल. वो बहुत अजीब से सवाल जवाब करेंगे तुमसे कुछ तुम्हारे बारे में कुछ हमारे बारे में. मुझे याद रखना है कि ये रियल नहीं है. ऑफ कोर्स ये रियल नहीं है बट व्हाट आई मेंट टू से वाज कि एट एनी पॉइंट अगर तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड लगे यू नीड मी प्लीज फील फ्री टू कॉल मी. आई सी यू. आप सिर्फ हिंदी रेट्रो गाने बजाइएगा जैसे मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. ओनली एंड ओनली आइटम नंबर्स. डीजे वाले बाबू गिव अस अ मोमेंट. अग्नि सैम यार हमारी एक चीज समझ में नहीं आ रही. हु आर वी रूटिंग फॉर? क्लोजर. ऑल्स क्लोजर. तो वीर को किस करने वाले थे ना? किसने बताया? गुंजन मामा जी ने. मामा जी? हाँ जी. ये सारी बातें कोई फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे करता है क्या? So what? What do you mean so what? अरे तुम तो लोगों को बताओगे नहीं कि तुम समीरा के साथ सीरियस हो तो मैंने बता दिया यार. अब जब वो उसको मिलेंगे तो कम से कम ये तो समझेंगे कि वो तुम्हारी सीरियस वाली गर्लफ्रेंड है. अब व्हाट्स प्रॉब्लम? यार मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही. रिलेशनशिप है या मतलब म्यूजिकल चेयर्स चल रहा है? 5 साल तक उसके साथ थी. 1 साल पागलों की तरह उसके पीछे भागी. तुम लोग मुझे कहते रहे move on, but I just couldn't. काफी psychotic थी ना. You know honestly, पता नहीं मैं वीर को पसंद करती हूँ या नहीं, पर उसकी वजह से ये समझ गई हूँ कि जो कार्तिक के साथ था वो definitely प्यार तो नहीं था. Yeah, वीर, I think he sort of healed me. I feel much better, like I'm a new person. So yeah, he's special. I don't know if this is love, but usse baat karna, uske sath time spend karna, acha lagta hai. Move, move. Tum pagal ho kya? Tum sab sun sakte hai. Come here. I'm not sure if I like him, but I know that this past 1 year has been suffocating. I couldn't breathe. Being with Veer just made me realize I can breathe easy. It was like
I was struggling underwater and now I can breathe because of this man. Because he's someone very special. Fuck. तू पागल है क्या? देखना तो चाहिए था हाथ कहाँ पे रख रही है? बहन, इसे ना तो अब भगवान की मर्जी समझ। यार राइट, अपने इस इडियोटिक पने को ना भगवान की मर्जी का नाम मत दियो, राइट? As usual, हर गड़बड़ के पीछे तेरा नाम होता है। मेरा, always। मेरा, right? You know, बाहर गेट के बाहर लिखा होगा ना Sam Wed Sumir, तो ना कर्सी अग्नि लिखना मत भूलना। अग्नि, समीरा कहाँ है? तो तुझे तो अब वो नहीं दिखेगी ना, तेरे तो भाभी है। अच्छा। Look, that was not a confession. What? You know what? I think this is ridiculous. हर लड़का रिजेक्ट होने के बाद यही कहता है। रिजेक्ट? दिस इज रिडिकुलस। रिजेक्ट? तुमने मुझे रिजेक्ट किया है? हेलो, यू हैव गॉट द एंटायर ऑर्डर रॉन्ग। ठीक है, जो तुम वहां पे कह रही थी सबके सामने, दैट इज कॉन्ट्रडिक्टरी। वो मैं कार्तिक को सुनाना चाहती थी, उसे जेलस करना चाहती थी। फिर तुम अभी तक ये बेसिक बात नहीं समझे। यू आर नॉट माय टाइप। नॉट योर टाइप। या दैट्स फाइन। आई How can I be your type? Tumhara type to hai arrogant, insensitive and immature. How can I be your type? Tum jealous ho? Oh please. I'm not interested in you, Samira. Phir to baat hi khatam hogi. Yes. To baat khatam. It's okay. But everybody must be thinking I'm a slut. ना बेटे, सब लोग तुम्हें शायद बिच समझते हैं क्योंकि दोनों भाइयों के साथ चक्कर है ना, इसलिए। मामा जी, अब आप चेप हो रहे हो, ठीक है? अरे ना बेटे, मैं तो एक men's perspective point of views दे रहा हूँ। Fucking hell. You know, अब मेरी समझ में आया कि Tinder पर हमेशा अग्नि और मामा जी का मैच क्यों होता है? ओए, मेरी लगनी है, मेरी लगनी। कुंजन, ये तो औरतों पे क्या गुस्सा है भाई? नहीं, अब आप आ गए हो तो फिर मैं जा ही रहा हूँ। वेरी फनी। अम्मा, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपकी एनिवर्सरी स्पॉइल कर दी ना। कुछ नहीं, नीचे सब लोग बात कर रहे होंगे। हाथ दे। परफेक्ट फिट। ऐसा लग रहा है कि ये कंगन बिल्कुल तेरे हाथों के लिए ही बना है। अम्मा, मैं और कार्तिक। बेटा, अपनी जिंदगी में जब भी कोई पहली बार आता है, खाली हाथ नहीं आता है, अपने अतीत को साथ लेकर आता है। अपना दर्द, अपनी घबराहट, अपनी रंजिश, अपनी यादें, अपनी खरोचे, अपने निशान, सब कुछ साथ लेकर आता है। तुमने वीर से प्यार किया है क्योंकि तुमने उसके अतीत को अपनाया है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड एंड लूज आउट ऑन ईच अदर। चल, अब जल्दी से तैयार हो जा और नीचे आ जा, ठीक है? लेने का, सैम तो शादी नहीं कर रही है। See how nice this is? Cute ना? Just because तूने ड्रेस खरीदी है, सैम शादी कर ले। Dude, थोड़ी स्लो है क्या तू? सिर्फ ड्रेस के लिए मैं सैम को शादी करने को कहूंगी? I have lost weight also ना, to fit into it. दिखाना जरा, दिखाना। कहाँ से? दिमाग से? अच्छा, ये चश्मे तुमने कहाँ से लिए?
किसी किड्स के फर्स्ट बर्थडे पार्टी से चोरी किए। मैं hot तो नहीं कहूँगा, but हाँ, there's something about her. She really likes you. वो जो confessions थे, सिर्फ कार्तिक को सुनाने के लिए थे, so don't fall for that. I have a question. Why haven't you had sex with her? Ishanvi, have you lost your mind? Why are you so obsessed with my sex life? मैं तुमको कोई mating jersey बोल दिखता हूँ. Because the only relationship that you've had with women is sex. You're addicted to mindless sex and you haven't had it with her. So maybe you just found an emotional connect. उसने मना कर दिया। Did you actually ask her? Not exactly, but हाँ, फिर भी उसने मना कर दिया। You know why? Because she thinks मैं उसके type का नहीं। किन नहीं type? मैं उसके type का। वो मुझे कहती है कि you're not my type. अब कोई जाके समझाए मैडम को। कि लोग जो होते हैं वो सॉक्स का पैर नहीं होते हैं कि पहली नजर में देखते ही पता चल जाए कि ओहो आप तो मेरे जीवन साथी हैं क्योंकि आप भी पोल का डॉट मैं भी पोल का डॉट पोल का डॉट पोल का डॉट जनरली लाइफ लोग एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं एंड विद टाइम दे फॉल इन लव विद ईच अदर और ये नो एंट्री का बोर्ड लगा के पहले ही कह दिया कि यू आर नॉट माई टाइप और ऐसे स्टेटमेंट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आई हेट कवि ने इन ऊपर लिखी पंक्तियों में क्या कहना चाहा है आप मुझे बता सकते हैं कवि कंफ्यूज है हर्ट है उसे समझ नहीं आ रहा कि जिसे वो पसंद करता है उसे उसने ना कैसे कह दिया दैट मींस ही इज अपसेट दैट ही इज बीइंग रिजेक्टेड ओह फक यू गाइस यार तुम लोग पागल हो ये कपल ही पागल है आई डोंट वांट टू सिट ओह Sam! पायलट लेंस समझते हो डिशवॉशर जैसा कुछ सौंफ समझते हो जुबान का जायका बदलने के लिए यूज होता है हाँ विल यू बी माय सौंफ कार्तिक हैज लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट इन माय माउथ मैं सच में मुंह का जायका बदलने की बात कर रही हूँ Sam, are you there? Hey, Samira. Open the goddamn door. Sam? Sam, I need to talk to you. What? Why are you stupid? Sam, please, I... Please. I just want to have a word, Sam. Open the door, don't be stupid. Sam, open the door, please. उस तरफ खड़ा है, तुम यहाँ पे छुप क्यों रही हो? क्योंकि सब कुछ इतना embarrassing हो गया। यार, right, तुम्हारे लिए कुछ embarrassing होता है। Move. Stupid, let me open the door. Let me get this straight. वो दरवाजे के उस तरफ खड़ा है वो तुमसे बात करना चाहता है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड राइट सो ओपन द डोर एंड टॉक टू हिम अभी नहीं बाद में कब 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 तक एक्सटेंड करोगी इसे तुम प्लीज मुझे बता अभी क्यों नहीं कर सकती उससे तुम बात ही इज देयर राइट फॉर यू टॉक टू हिम दैट इज व्हाट यू वांटेड राइट फिर मुझे अभी बात नहीं करनी और तुम क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हो मैं इंटरफेयर कर रहा हूं Are you forgetting कि तुम मेरे पास आई थी, तुमने मुझसे मदद मांगी थी, कि कार्तिक से बात करना एक बार तुम्हारी लाइफ का सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस है। And now that is happening, तुम उससे बात क्यों नहीं कर रही? मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी। मैं तुम्हें क्यों सब कुछ बताऊँ? I don't know you anything. You don't know me anything. You owe me everything. यहाँ भी तुम मेरी वजह से आई हो। Oh,
तो तुम अब एहसान जता रहे हो? नहीं, मैं एहसान नहीं जता रहा हूँ समीरा, मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि मेरा भी हक है ये जानने का कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे। Now move, he's gone. I need to leave. And हाँ, listen, forget about me. तुम्हारा भी जानना हक है कि तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी समीरा। And I think you really must think hard about it. चाचा जी, आप आपने समीरा को देखा? यहां तो नहीं आई बेटा। भाई 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 भाई, पता है समीरा कहां पे है? आज ज्यादा नहीं पी रहे हो तुम? इट्स सो गुड। कह दिया तुमने उसे? किसे? कि तुम उसे पसंद करते हो? अरे यार, तुम अपनी बकवास बंद करोगे प्लीज। वो कार्तिक के पीछे पागल है, मुझे कहाँ नेसेसरीली बीच में डाल रही हो तुम? You know what? You're an idiot. उसने कह दिया और तुमने मान लिया? मैं एक श्रिंक हूँ, मैं लोगों के कन्फेशन सुनती हूँ, और उससे ज्यादा जेन्युइन कन्फेशन ना मैंने आज तक कभी किसी का नहीं सुना। She loves you. पर मैं उसे पसंद नहीं करता। अलीना के बाद समीरा पहली। Listen, don't compare Alina and Samira, ठीक है? शामिल है ना, warning you. उन दोनों के बीच में कुछ भी common नहीं है। They are two very different personalities. ये confused है, ये थोड़ी पागल है। भी उन्होंने पिछले एक साल से कार्तिक से एक बार बात करने के लिए पीछे पड़ी हुई है। She got in touch with me to get in touch with him, and she is here not for me but for Karthik. और एक बात बताओ, इस बात की क्या assurance है, क्या guarantee है कि कल को मान लो मैंने उसे थोड़ा सा emotional leeway दे दिया, वो वही चीज मेरे साथ नहीं करेगी? इज देयर एनी अश्योरेंस? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी को पसंद करने के लिए, किसी से प्यार करने के लिए उसकी रिस्पेक्ट करनी होती है, एंड आई डोंट रिस्पेक्ट हर। तो स्टॉकर है यार, शी इज बीन स्टॉकिंग कार्तिक एंड मी टू। सो व्हाट आई डू फॉर हर, आई वुड डू दैट फॉर एनीवन। आई कुड डू दैट फॉर अ लेम सिक पपी और इवन एन इंजर्ड बर्ड विद अ ब्रोकन विंग। You know what I feel for her is plain pity. Don't mistake that for love. Samira ko ye sab sunke kafi bura laga hoga. Aur usko sunai kahan se dega ye sab? Ishanvi? Wo mere piche khadi thi. Tumne mujhe bataya kyun nahi? Adil, tum bhi. What's so funny? तुमने क्या किया उसके साथ? क्या? उसने तुम्हें कॉन्फ्रेंस में अपनी सारी बातें बताई और तुमने भी वही किया जो कार्तिक ने किया था? You disrespected her. तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है जब तुम उसके लिए कुछ फील करते हो? तुम्हें इतनी घबराहट क्यों होती है? Remember one thing, you are not betraying Alina. Listen, तुम ये ज्ञान ना अपने पास रखो, ठीक है? वो मेरे पीछे खड़ी थी, you could have stopped me, you could have told me. जाओ ना, अब जाके बता दो. Do I have a choice? No, you don't. You sadist woman. Get lost, bloody escapist. Sam, I need to talk to you, Sam. Samira, बात सुनो, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं, Sam. I'm really sorry. कुछ बातें out. Bye. मैं बात करूँ. अरे fuck off, she does not even want to talk. अरे this is urgent. Samira, what is this? Samira, एक मिनट मेरी बात सुनो. Samira, मैं कब से तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ, Samira. Listen to me, यार. दिन से वो पीछे भाग रही, वो नहीं. Can't we just sit and talk once? इतना क्या नाराज हो गई हो यार? कार्तिक इज अ फ्रेंड बोल रही हूँ, बहुत ही स्टूपिड लग रहा है, मत करो ये सब. यार समीरा, I need to do this. Don't do this. समीरा मेरी, यार she does not even love you anymore. Just stay out of this. उसे भी प्यार नहीं करती ना. Stay out. What's your fucking problem? If I won't talk to you. समीरा मेरी एक बार बात. समीरा मेरी बात. किसी से बात नहीं करनी है. I wanna be alone. Just stay out of this. क्या तुझे problem क्या है? हाँ. क्या problem क्या तुझे? कार्तिक stay out of this. Don't you dare hurt her again. Problem क्या है? तू बीच में आ रहा है ना? मैं बीच में आ रहा हूँ. तू बीच में आ रहा है. मैं आ रहा हूँ. वीर. I'm telling you, Karthik, stay out of this. I won't. She's mine. She's your what? What? पिछले एक साल से कहाँ था जब वो पीछे पीछे भाग रही थी? हाँ?
And as a woman, know what the fuck you're up to here. Sam. What happened? Why are you packing? कार्तिक मेरे पीछे पागलों की तरह, नो एक्चुअली मेरी तरह, जैसे मैं उसके पीछे पीछे घूमती थी वैसे घूम रहा है. सो इट्स गुड, नो दैट्स व्हाट यू वांटेड राइट? मुझसे बात करना चाहता है, पूरा टाइम मुझे देखता रहता है. नीचे उसने वीर के साथ झगड़ा किया अभी. व्हाट? या ही इज जेलस. ओके एंड? तो अगर मैं इससे खुश होती उसकी इस ऑब्सेशन से, तो इसका मतलब ये होता दैट आई हैवंट गॉटन ओवर हिम एंड दिस इज माय रिवेंज. अगर मुझे इससे सैड फील हो रहा होता, इसका मतलब ये होता दैट आई नो दैट कार्तिक नीड्स माय अटेंशन व्हेन ही नोस दैट ही कांट हैव मी. बट पूर्णा मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा. ऑलमोस्ट लाइक ही हैज बिकम अ स्ट्रेंजर लाइक जस्ट एनी अदर मैन. वन सेकंड, सिट. ये तेरा मीना कुमारी वाला सेटिंग डिफॉल्ट हो गया है क्या? यू शुड बी हैप्पी. आई मीन यू हैव गॉट व्हाट यू वांटेड. कार्तिक नाम का चैप्टर हमेशा के लिए तेरी लाइफ से निकल चुका है. You've become strong and independent. I mean, पहले की जैसे नहीं, जैसे by the way मैं इतने time से झेल रही थी. यार, this calls for a celebration, Sam, and not running away like this. Porno, I'm not sure if everything is sorted. Like yes, I feel liberated and happy. But only to realize that जो validation मैं कार्तिक से चाहती थी. वही वैलिडेशन मैं वीर से चाहती हूँ. वीर ने कुछ कहा क्या? मुझे नहीं करना चाहिए ना. You know, I don't want to feel so weak and desperate and dependent again. कार्तिक ने मेरे बारे में ओपिनियन चेंज किया है, पर अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Because now I want वीर to respect me. समीरा, समीरा, I need you now. ईशु, प्लीज सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो. अरे चुप रहो. तुम्हारी गलती है. मैं अकेले सिचुएशन में कभी नहीं पड़ सकती थी. इट्स ओनली फकिंग बिकॉज़ ऑफ यू. आई एम फकिंग हेट ऑल मेन. ब्रीथ, ब्रीथ. आ रहा है बस. कार्तिक वही खड़ा है, आ रहा है. अरे जरा देखो, जल्दी फोन करो. मूव 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 मूव. समीरा, समीरा बेटा थोड़ा देखो ना, देखो उसको बहुत दर्द हो रहा है. समीरा, जस्ट हेल्प मी. Okay, आप okay, okay. सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? अभी तुम ही कुछ करो ना. Come on, समीरा. I'm just a vet. मैं जानवरों के बच्चों की डिलीवरी करती हूँ. एक ही चीज है, प्लीज देख लो ना. ओए, मेरा बच्चा. समीरा प्लीज कुछ आके करो ना तुम. प्लीज प्लीज प्लीज. तुम्हें उसका सर दिख रहा है? दिख रहा है? शानवी उसका सर दिख रहा है, प्लीज कुछ करो. Where is the doctor? Okay, I slapped him. Just keep breathing. Okay, just keep breathing. Where's keep breathing. Keep breathing. अरे कार्तिक वही खड़ा है, वो सर्जरी में बिजी है. आ रहा है, आ रहा है. I need the doctor right now. शानवी, please just wait, just hang on. Come on. Okay, no. तुम अभी अपने फियर्स यहाँ लेकर आ रहे हो? कुछ नहीं होगा. Just follow my instructions, okay? All you need to do is massage your stomach downwards like this. I can't do all of that, Samira. मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब. Please. Listen, I'm also very scared, okay? मेरा भी ये पहली बार है. वीर, but मैं आज करूँगी because we might lose ईशानवी. वीर तुम सुन रहे हो? हाँ. Okay. Good guys. Follow. I need everybody out of the room, okay? कपड़ा, hot water, a catchy knife, blade, everything you can get, okay? I'm on it. Out. Out. तुम अपनी पास्ट की वजह से खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. तुमने जिद पकड़ रखी है खुद को पनिश करने की, और अब तुम ईशानवी को भी पनिश कर रहे हो. यू नीड टू डू इट वीर.
This is blackmail. Veer, focus. You fucking shut up. You get out of my sight. I don't want to see you. Blackmail ho ya nahi pata nahi. The contractions are increasing. We need to do this right now. We need to get it done. You get it? Okay, fine. I'm there. I'll do it. Okay, so go look for porno. Quickly okay. Go. You'll be fine. Yeah? Get me. Quickly. ख्वाब दे दो या साथ दे दो, मिल सको तो आके जवाब दे दो। ऐसा हुआ ना कभी जैसा हुआ है अभी, तुम ख्वाबों में भी हमें आते नजर क्यों नहीं, तुमको मेरा वास्ता जाते हैं क्या यूं भला के लौटे नहीं। सीने पर 10 क्विंटल का भारीपन सा होता है, दिमाग की नसें फटने लगती हैं और सिर्फ एक एहसास होता है दर्द का, द पेन दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ योर एग्जिस्टेंस। 4 साल में पहली बार आई फील आई कैन ब्रीथ, दैट फीलिंग ऑफ लाइटनेस एंड द लाइट, वो रोशनी और वो हल्कापन। समीरा, क्या समीरा ने बेबी डिलीवर की। Thank God, I'm so glad. नहीं मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। I'll rush. Are you okay? No. I mean, porno क्या बोलेगी? I cheated on her. Cheating तब होती है जब कोई relationship हो. You and porno were never in a relationship. And I'm over Karthik. Come here.
डू अ फेवर कार्तिक. थैंक यू समीरा. कार्तिक सैम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर माय फैमिली. थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन फॉर मी. थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी. थैंक यू फॉर मेकिंग मी रियलाइज दैट आई लव यू सैम. कार्तिक तुम अभी नहीं, लिसन 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 सैम, मुझे बोलने दे. आज अनन्या चीटेड ऑन मी. सीरियसली मुझे कुछ बुरा नहीं लगा. इन फैक्ट आई वॉज हैप्पी. यू नो वाई? बिकॉज इट मेड मी रियलाइज कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ. सो यू वॉन्ट इट क्लोजर? आई कान गिव यू क्लोजर सैम, बिकॉज वी आर नॉट डन. कार्तिक वी आर डन एंड आई डोंट वॉन्ट यू लुकिंग एट मी लाइक दैट. क्या बोल रही हो सैम? इट्स अस. यू लव्ड मी, यू ऑलवेज लव्ड मी. यस यार, तुम मेरे घर की खिड़की के सामने रातों रात. यू शुड. आई डोंट लव यू. आई नो इट. आई एम सॉरी सैम, आई एम रियली सॉरी. हो गई गलती सैम. वन चांस सैम. इट्स सैम. लिसन, अगर तुम्हें कभी भी बात करनी हो, कॉफी पे जाना हो, कुछ शेयर करना हो, यू कैन कॉल मी. ओके, कॉल मी बिकॉज आई नो हाउ इट फील्स. और मैं नहीं चाहती कि तुम वही सफर करो जो मैंने किया. आई एम सॉरी. इज इट वी? बाय कार्तिक. So, what are we celebrating today? You know, 4 साल हो गए ना. मैंने तुम्हें कितना कहा मुझे जाने दो, पर तुम नहीं माने. इतनी आसानी से तुम्हें कैसे जाने देता? A goodbye needs a perfect moment, नहीं? I'll miss you. तुम्हें भी पता है मैं तुम्हारी इमेजिनेशन का एक फिगमेंट हूँ. और वैसे भी ये जो वियर्ड रिलेशनशिप का फॉर्म ले लिया है, दिस क्रेजी हस्बैंड एंड घोस्ट वाइफ, ये तो अब खत्म करना होगा ना. या सो चीयर्स टू दैट. चीयर्स. तुम ये बॉटल अकेले ही खत्म कर रहे हो? ईशानवी की बेबी को हमने 7 साल डिलीवर किया. आई डिजर्व अ ड्रिंक. सो आर यू बैक विद कार्तिक? बिल्कुल नहीं. क्यों? इजंट दैट व्हाट यू वांटेड? बट नॉट व्हाट आई नीडेड. यू नो, इतने दिनों बाद ऐसे लग रहा है. आई कैन ब्रीद. यू नो, एक रोशनी सी. नो एक्चुअली इट्स लाइक अ सेंस ऑफ हल्कापन. ऐसे दिमाग एकदम क्लियर हो गया, चीजें साफ दिखाई दे रही. क्या हुआ? Why are you staring at me like that? समीरा. क्या? I want to kiss you. क्यों? क्योंकि I want to. अभी? हाँ अभी. मैं किसी परफेक्ट मोमेंट के इंतजार में ये मोमेंट खोना नहीं चाहता. तुम चाहो तो मुझे रोक सकती हो.
I'll give you a countdown. One, two, three. कुछ पता ना चला मुझे लगा तुम 10 तक गिनोगे Okay. I'm really sorry. This is very awkward. I'm extremely sorry. मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया? No, no, no. मैं बस ये कह रही हूँ. I just got my breath back. And you don't want me to take that away? No, Veer. सालों बाद कोई लम्हा, कोई moment सिर्फ मेरा है, जहाँ पर कार्तिक background noise नहीं है. I really like you. But मुझे डर लगता है. You know, I just got control of myself back. अभी फिर से किसी को ये देना नहीं चाहती. I hope you understand. Yeah, I mean, I do. I do. But I wish हम पहले मिले होते. Come. And by the way, has anyone ever told you that you're a pro at rejecting people? What? No, I mean it. I just think you are. Yeah, you know, maybe. I have also rejected a lot of women. In short, hurt them. You know, मुझे भी कभी समझ में नहीं आया ये, you know, कि वो मुझसे हमेशा इतना नाराज क्यों रहती हैं. Now I know why. मैं बुरा लगा? No. It's okay, I mean, it's just another kiss. You know, I don't want this to be your rebound. Yeah, haan, matlab, maybe, same here. You know, I don't want you. I know, you... Yeah, I know. Just... Agar humare beech mein kuch ho bhi to, I want to do it right. Sure. Jo kuch bhi tumne mere liye kiya, maine Kartik ko na keh diya. Just imagine. Matlab, puri duniya mujhe kehti rehti thi ki I'm like a stuck record, main... But I'm not even able to express myself properly right now. But you know what, Samira, तुम्हें कोई thank you speech देने की ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं ज़रूरत की बात नहीं है। It's purely voluntary. No, but फिर भी, I think you must shut up because you're just blabbing. No, but I want to tell you that I need time. Sure. To get better. You know, in पिछले एक साल में मेरा दिमाग इतना सड़ गया है। Oh yes, I agree. But now, today, I'm feeling like I'm flying. Like I'm better, much better. Veer, next time jab hum milenge, I hope it won't be awkward between us. Oh no, not at all. Come on, Samira. We are grown-up adults. We are. Yep, we are. Chale. Tum jao, main aata hu. Yeah? Yep. Okay, come soon.
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.